हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जी एस टेल्स पर। मैं हूं दिवाकर और हाजिर हैं जो मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री का जो लेक्चर चल रहा है या सीरीज चल रही है उसका अगला पार्ट लिखे। ठीक है, इस पार्ट में हम यानी कि चौथा पार्ट है जिसमें हम इंडिया में जितने भी अंग्रेजों के गवर्नर गवर्नर जनरल और वायसराय रहे हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली ये क्या है ना, एक मतलब कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर होने वाला है, मिनी वर्जन ऑफ कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें आप देखेंगे फर्स्ट जो हमारे गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, उनसे लेके लॉर्ड माउंटबेटन तक। ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे 1700 यानी कि 1770 से लेके 1947 तक, ये पूरी एक रोलर कॉस्टर राइड रहेगी। ठीक है, और या यूँ कहें कि इंडिया के अंग्रेजों के हाथों में पूरी तरीके से अंग्रेजों की गिरफ्त में आने से लेके इंडिया के उनकी गिरफ्त से छूटने तक का ये सफ़र रहेगा, जिसमें हम गवर्नर जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से या वायसराय के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी इंडियन हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कह सकते हैं एक प्रकार से गवर्नर गाथा होने वाली है। ठीक है, तो इस बेस पे ये लेक्चर थोड़ा लंबा भी होगा ऑब्वियसली, क्योंकि कंप्लीट इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट से शॉर्ट करें और जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन गवर्नर जनरल के आसपास घूमते हैं या हुए हैं उसको भी मेंशन करते चलें, डिस्कस करते चलें। ठीक है, तो लंबा वीडियो होगा तो साथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना, वो जो डायलॉग है आप भी बने रहें, मैं भी इसको पूरे जोशो खरोश के साथ कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं रॉबर्ट क्लाइव से। तो रॉबर्ट क्लाइव इस समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए, उससे पहले रॉबर्ट क्लाइव का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि देखिए जो 1757 से 60, ठीक है, 1757 टू 60 का जो उनका पहला, एक्चुअली ये दो मतलब इनका कार्यकाल दो पार्ट में रहा है, 1757 से 60 तक। तो 57 में हुई थी जो प्लासी का युद्ध, ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था जिसमें इन्होंने सिराजुद्दौला को परास्त किया था। ओके, फिर 60 के बाद ये चले गए थे वापस। फिर आते हैं 65 में, 65 टू 67, 1765 से 1767 के बीच में फिर आते हैं, तब उसके बाद जाके मतलब कुल मिला के इस तरीके से इनका जो है 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर आप देखते होंगे 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है, जिसके बाद बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है। फिर उसके बाद जो है यहाँ से अंग्रेजों का कोई मुकाबला नहीं रह जाता जो कि कोई इंडियन नवाब या सम्राट इनका सामना करे, शाह आलम द्वितीय हो चाहे मीर कासिम हो, ठीक है, सिराजुद्दौला हो या शुजाउद्दौला हो, शुजाउद्दौला जो कि बक्सर युद्ध में एक पार्टिसिपेंट था, ये सारे लोग जो है अंग्रेजों की पेंशन भोगी हो गए थे या उन पर डिपेंडेंट हो गए थे। ठीक है, तो उसके बाद अब यहीं पे आता है कि क्लाइव के समय में उनके असैनिक तथा सैनिक सुधार कैसे कैसे हुए थे। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना, निजी व्यापार बंद करा दिया, कुल मिला के उसने कोशिश की कि करप्शन कम किया जाए। ठीक है, उनकी वेतन बढ़ा दिए, उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया, लेकिन इससे असंतोषजनक मतलब पैदा हुआ अधिकारियों के बीच में, और सैनिक सुधारों के नाम पर उसने कहा कि दोहरा भत्ता जो है जो सैनिकों को दिया जाता था वो बंद कर दिया जाए। जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को मिलेगा जो बिहार और बंगाल की सीमा से बाहर तैनात थे। ठीक है, तो ये थोड़े से इनके असैनिक तथा सैनिक सुधार थे। ज़्यादा क्लाइव के बारे में, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में ज़्यादा चीज़ जो हमें पता है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया इसको। ठीक है, तो अगर आप मतलब इस सीरीज़ को पूरी फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाली हैं सारी चीज़ें। अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत आ जाते हैं, इनके बाद शुरू होते हैं लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, मतलब क्लाइव के बाद, तो क्लाइव ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले ऐसे गवर्नर थे जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल बने। ठीक है, गवर्नर जनरल बने इसके बंगाल के, किसके अंतर्गत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत ये जो पहले गवर्नर हुआ करते थे उनको अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल
का पद दे दिया गया। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। कब बने? 1774 में, ठीक है, और 1785 तक इनका कार्यकाल रहा। तो इन्होंने 1772 में क्या किया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में जो द्वैध शासन उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी। अब द्वैध शासन लागू किसने किया था? तो वही 1765 में जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी राइट्स मिल गई, उस दीवानी को वसूलने के लिए, दीवानी को कलेक्ट करने के लिए लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने जो है दो उप दीवान जो है नियुक्त किए। एक थे बंगाल के मोहम्मद रजा खान, ठीक है, मोहम्मद रजा खान थे, और बिहार के जो थे वो राजा सिताब राव, ठीक है, राजा सिताब राव थे। इन दोनों को उन्होंने नियुक्त किया कि आप जो है उप दीवान हैं और आप कलेक्ट करेंगे, मतलब रिवेन्यू कलेक्ट करके अंग्रेजों को देंगे। तो वही था द्वैध शासन, उसकी समाप्ति घोषणा कर दी वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में, और जो है राष्ट्रीय राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। कलकत्ता पहले भी इम्पोर्टेंट था, उसको डायमंड हार्बर कहा जाता था, जो हुगली पोर्ट था, ठीक है, लेकिन अब कलकत्ता की महत्ता और बढ़ने लगी थी। वॉरेन हेस्टिंग्स का विचार था कि समस्त भूमि जो है वो शासक की होती है, ठीक है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि, ट्रायल एंड एरर के नियम को अपनाया। मतलब कि जो ट्रायल किया जाता, जो परीक्षण सफल हो जाता था या अच्छा रहता था उसको आगे कंटिन्यू करते थे, अशुद्धि वाले ये एरर वाले नियम थे उनको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता था। रेगुलेटरी एक्ट हमने डिस्कस कर दिया, इसके अंतर्गत बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। कॉलेजिस्ट सरकार का मतलब था कि एक तो हो गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, और उनके चार और मेंबर ऐसे थे जो असिस्टेंट थे उनकी काउंसिल के, ठीक है। तो ये हो गया कॉलेजिस्ट सरकार, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, कुछ इस तरीके से दिखते थे। अब ये होता है कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई काम किए, उसमें से उनका जो लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी नींव उन्होंने रखी, लेकिन उसके ऊपरी संरचना को मजबूत किसने किया? कार्नवालिस ने तैयार किया। ज़्यादातर आप जैसे आगे आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें देखेंगे कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के क्रियाकलापों को मजबूती दी है लॉर्ड कार्नवालिस ने। उनका जो कार्यकाल था वो 1786 से लेकर 1793 ईस्वी के बीच में था। देखिए हिस्ट्री क्या होती है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट्स को डिस्कस करना, ठीक है, तो वही चीज़ है, कालानुक्रम को आप जरूर ध्यान दें कि कौन किस समय था, जिससे कि मतलब हमें एक ऑर्डर समझ में आता है, एक क्रम समझ में आता है कि हाँ कैसे कैसे घटनाएं घटित हुई, उसके बाद क्या हुआ। तो कार्नवालिस ने कौन कौन सुधार किए? न्यायिक सुधार किए, फौजदारी कानून में सुधार किए, पुलिस सुधार किया, कर संबंधी सुधार किया, व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव डाली, ठीक है। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। ये सवाल है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। जब आप जानते हैं कि 74 से 85 के बीच में हेस्टिंग्स थे, तो 1784 तो ऑब्वियसली इसी के कार्यकाल में आएगा, ठीक है। अच्छा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना तो 1784 में हुई थी, इसके साथ एक और चीज़ हुई थी, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, वो 1784 में आया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति, रिंग फेंस पॉलिसी से वॉरेन हेस्टिंग्स तथा लॉर्ड विलेजली संबंधित थे। अभी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि रिंग फेंस पॉलिसी क्या होती है, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उन्होंने बहुत सारे काम किए, उसमें से काफ़ी कार्य ऐसे थे अन्यायपूर्ण और निरंकुश भी थे, जिसकी वजह से उन पर मुकदमा चलाया गया महाभियोग का इंग्लैंड में जब वापस गए। कब तक? 1788 से 1795 तक उन पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पर। लेकिन हुआ क्या कि उनकी प्रीवियस सर्विसेज को देखकर गवर्नमेंट को जो उन्होंने सर्विसेज दी थी उस बेस पर उनको बरी कर दिया गया, ठीक है। अब हम आते हैं, ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक इसका पांच के पांचों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, अलग अलग सेक्शन में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियाँ कौन कौन सी थी और क्या थी? तो सबसे पहले जब 1740 से 1765 तक अंग्रेजों का ये लक्ष्य था कि हम जो लोकल नवाब हैं या गवर्नमेंट्स हैं या प्रांत हैं उनकी बराबरी कर लें, ठीक है, तो समानता के लिए संघर्ष था, कंपनी का भारतीय रियासतों के समानता के लिए संघर्ष था। जब वो 1765 में बक्सर युद्ध के बाद एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरे तो समानता छोड़िए सबसे आगे निकल गए, ठीक है। फिर उन्होंने
अपना चाल चलना शुरू किया। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति, जिसे कि रिंग फेंस पॉलिसी कहते हैं, 1765 से 1813 के बीच में इसको चलाया। अब रिंग फेंस पॉलिसी क्या होता है, जैसे इसके नाम से ही जग जाहिर है कि एक ऐसा रिंग बनाओ जो आपकी सल्तनत के लिए, आपके साम्राज्य के लिए फेंस का काम करे, घेरे का काम करे, बाड़े का काम करे। ठीक है, तो मतलब ये हो गया अपने जो पड़ोसी राज्य थे, ठीक है, जैसे यहाँ पर हो गया बिहार बंगाल का पड़ोसी हो गया अवध, तो अवध को इन्होंने, अवध में इन्होंने अपनी सेना रखी और बोला कि जो है मतलब हम आपको सुरक्षा देंगे। ठीक है, आपको क्या करना होगा कि हमारी एक रेजिमेंट अपने राज्य में रखिए और उसका जो चार्ज होगा वो आपको वहन करना पड़ेगा। इस तरीके से क्या होता था कि मतलब एक तो पड़ोसी को भी सुरक्षा मिल जाती थी, और पड़ोसी अगर सुरक्षित है तो इससे आप अपने आप सुरक्षित हो जाते हैं। ठीक है, आपका बॉर्डर तो उसके बाद ही आएगा, तो इसको बोलते थे कि एक बफर स्टेट बना लेते थे। ठीक है, ये हो गया बंगाल, ये हो गया बफर स्टेट अवध का। ठीक है, फिर यहाँ से जो अटैक करेगा वो पहले इस पर अटैक करेगा, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ये लोग ले लेते थे, यहाँ पर अपने रेजिमेंट खड़ी कर देते थे। और अंग्रेजों के लिए अच्छी बात ये होती थी, ये जो रेजिमेंट खड़ी होती थी इसका जो चार्ज देना होता था इस राज्य को देना होता था। ठीक है, इससे इनकी जो सेना हो गई वो बड़ी हो गई काफ़ी, बिना पैसे के, बिना खर्चे के इनकी काफ़ी बड़ी सेना हो गई। और इससे जो इनके जो रिंग था, ये जो रिंग था फेंस का काम कर रहा था, इन सारे राज्यों के बारे पर, राज्यों पर भी इनका कंट्रोल हो गया, और कोई विदेशी शक्ति भी इन पर आक्रमण नहीं करती थी, कर सकती थी। यही था सुरक्षा प्रकोष्ठ या नीति या घेरे की नीति। ठीक है, जो कि 1765 यानी रॉबर्ट क्लाइव से लेकर 1813 यानी कि जो होता है लॉर्ड हेस्टिंग तक चला। लॉर्ड हेस्टिंग जब आता है तो इसको छोड़ देता है, फिर वो विलय करना शुरू करता है। अधीनस्थ पार्थक की नीति, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, 1813 से 1885 57 तक। ठीक है, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन का मतलब क्या होता, पहले था ये था कि उनकी जो मतलब विदेशी जो नीतियाँ थी, जो इनके अंग्रेजी साम्राज्य की जो मतलब नेबर हुआ करते थे, पड़ोसी राज्य थे, उनकी विदेशी नीतियाँ पूरी तरीके से अंग्रेज कंट्रोल करते थे, इंटरनल मैटर में डिस्टर्ब नहीं करते थे। लेकिन अब ये अधीनस्थ पार्थक की नीति आ गई, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, तो अब वो पड़ोसी राज्यों को अपने में विलय करने लगे, शामिल करने लगे, मतलब पूरी तरीके से कंट्रोल करने लगे, इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर दोनों। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर दोनों कंट्रोल करने लगे, तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें आप देखेंगे कि जो इधर जाके आंग्ल नेपाल युद्ध होता है 1814 में, ठीक है, बर्मा के साथ युद्ध होता है, ठीक है, अफगानों के साथ युद्ध होता है 1839 में, इस तरीके से फिर सिख का विलय हो जाता है 1843 में, सिंध का विलय हो जाता है, फिर डलहौजी ने तो अपना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से लाया ही था। ठीक है, तो उसमें सतारा, जैतापुर, नागपुर, झांसी और इन सबको विलय कर लिया। तो ये चीज़ होती है अधीनस्थ पार्थक की नीति, अब अपने में विलय कर रहे थे, अपने राज्य को और बढ़ा रहे थे। ठीक है, अधीनस्थ संघ की नीति, फिर क्या होगा जब अति हो गया, तो उस अति को, अति का अंत करने के लिए, ठीक है, भारतीय लोगों ने एक 1857 की क्रांति लड़ी। ठीक है, तो इसके बेस पर अंग्रेजों को थोड़ा समझ में आया कि नहीं, राज्यों को हड़पना नहीं है, अब उन्हें सबऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी के अंतर्गत कंट्रोल करके रखना है, सिर्फ कंट्रोल करके, यानी कि आप अपनी इंटरनल नीतियां चलाएं, प्रांत बना के रखें, लेकिन हमारे खिलाफ कोई काम न करें। ठीक है, हम आपका, आपको अपने में शामिल नहीं करेंगे, विलय नहीं करेंगे, आपका अधिकार नहीं छीनेंगे, लेकिन फिर भी हमारे कंट्रोल में आपको रहना पड़ेगा। तो ये था अधीनस्थ संघ की नीति। ठीक, एक संघ बना लिया जिसमें यूनियन अंग्रेज थे, उसके जो मतलब उसमें जो बाकी जो प्रांत थे वो संघ के रूप में उससे जुड़े थे। ये हो गई अधीनस्थ संघ की नीति, जो चली 1935 तक, 1858 से लेकर 1935 तक चली। अब फिर उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आता है 1935 वाला, जिसमें बराबर के संघ की नीति, इक्वल फेडरेशन पॉलिसी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशन के थ्रू प्रोविंस सेंटर का रिलेशन हो गया। ठीक है, तो अब बराबर के संघ की नीति हो जाती है, ये सब आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है श्रेणीबद्ध संगठन, क्या हो गया, जब जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 वाला, उसके अंतर्गत इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी फोर्ट विलियम पर। ठीक है, फोर्ट विलियम पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी,
क्या हो जाता है कि ये कोर्ट का या कचहरी का या अदालतों का जो है एक श्रेणीबद्ध संगठन बनाया अंग्रेजों ने, पहली बार ऐसा हुआ इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट हो गया, फिर उससे लोकल कोर्ट हो गई, जिला अदालतें हो गई, इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है। इस व्यवस्था को वॉरन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, अगेन कॉर्नवालिस ने और मजबूत किया। मजबूत किस तरीके से किया, सारी शक्ति जो है कलेक्टर के हाथों में केंद्रित करते गए ये लोग, ठीक है। अभी देखेंगे कि कलेक्टर जो है ओवरबर्डन हो जाता है। 1787 में जिले के प्रभावित कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया। उसके अतिरिक्त उन्हें फौजदारी शक्तियाँ, सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दे दिया गया। ओवरबर्डन हो गई, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी जो कलेक्टर था। इसी वजह से 1790 से 92 के बीच में जब कार्नवालिस ने क्या किया, भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त करके उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय, 4 सर्किट कोर्ट, जिसमें से 3 थे बंगाल के लिए, ढाका, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, ठीक है, तथा 1 बिहार के लिए जो कि पटना भी नियुक्त किए गए। 4 सर्किट कोर्ट, घूमने वाले भ्रमण करने वाले न्यायालय। अब इन न्यायालयों की अध्यक्षता जो थी वो एक यूरोपीय व्यक्ति करता था, भारतीय काजी एवं मुफ्ती के सहयोग के साथ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी ऑफ लॉ का नियम जो है लाया, जो कि इससे पूर्व इंडिया में नहीं था। मतलब कि अब ये हो गया कि सारी चीज़ें कानून के बेस पे चलेंगी, ठीक है, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग। कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 में अंतिम रूप दिया, जिसे कि कॉर्नवालिस कोड या कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉर्नवालिस जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ये रहे कि टीपू सुल्तान के दोनों बेटों को होस्टेज के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये 1793 का सीन है, जब आपको पता है कि 3rd एंग्लो मैसूर वार हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि के दौरान। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों के पृथककरण की नीति, कह सकते हैं कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडाबाजी वाला काम, मतलब कि जुडिशरी के काम सिर्फ जुडिशरी करे और लेजिस्लेशन का काम लेजिस्लेचर लोग करें, अलग अलग जिसका जो काम हो वही करे। उसने इसके तहत उसने कर तथा न्याय प्रशासन को अलग अलग कर दिया, वही चीज़ हो गई ना कि जुडिशरी अलग कर अलग, ठीक है। कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियाँ ले ली गई, जुडिशियल एंड क्रिमिनल पावर्स को ले लिया गया। उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियाँ थी, टैक्स या रिवेन्यू पावर्स ही रह गई। इसी वजह से उसको कलेक्टर भी बोला जाता है ना, कलेक्ट करे, जो रिवेन्यू कलेक्ट करे उसको कलेक्टर बोलते हैं। जिला दीवानी न्यायालयों डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट्स में कार्य के लिए नए अधिकारियों की एक श्रेणी बनाई गई, ठीक है। जिला दीवानी न्यायालय सिविल कोर्ट्स में जो डिस्ट्रिक्ट थे उसमें नए नए अधिकारियों की एक श्रेणी बनाई गई और जिला न्यायाधीशों को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी दिए गए। भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का प्रारंभ कॉर्नवालिस द्वारा किया गया, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज का जो स्टार्टिंग है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। इसी वजह से लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 2 कार्यकाल था, एक तो 1786 से 1793 के बीच में था जो इनका मेन कार्यकाल था, इसके बाद दोबारा 1805 वेलेजली के बाद जो है 1805 में फिर से आए जुलाई में, और 5 अक्टूबर 1805 तक ही रह पाए, क्योंकि 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इनकी मृत्यु हो गई और वहीं पर इनकी कब्र भी है। ये क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। अब आते हैं लॉर्ड वेलेजली, एक्चुअली इनसे पहले एक है जो 1793 से लेके 1798 तक, जॉन सोर, लेकिन उनके कार्यकाल में कुछ खास ऐसा इवेंट नहीं घटा जो कि मेंशन किया जाए, इस वजह से हम सीधा लॉर्ड वेलेजली पे आते हैं। 1798 से 1805 में इन्होंने, इनकी सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट थी सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस स्वीकार करने, इनके अंतर्गत स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था 1798 ईस्वी में, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस का सबसे बेहतर यूज़ किया लॉर्ड वेलेजली ने, सब्सिडरी वेलेजली, ठीक है। तो देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेलेजली कुछ इस तरीके से दिखते थे, ठीक है, कि सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किया। तो एक थे 1765 में अवध ने भी स्वीकार किया था, लेकिन वो लॉर्ड वेलेजली के अंतर्गत नहीं था, ठीक है। तो अगर सिर्फ पूछता कि सहायक संधि सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया, तो अवध था वो 1765 में, लेकिन लॉर्ड वेलेजली के अंतर्गत सहायक संधि किसने एक्सेप्ट किया, तो वो था पहला राज हैदराबाद था। या अगर ऑप्शन में लॉर्ड वेलेजली मेंशन नहीं करता और ऑप्शन में ये दिया होता है अवध, तो आप अवध ही लगाएंगे, और अगर अवध नहीं दिया तो हैदराबाद लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते ये देखते हैं हम कि एक तो
हैदराबाद हो गया, उसके बाद आपको पता 1799 में जो मैसूर राज है उसका पतन हो गया, उसने भी सहायक संधि एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, क्योंकि फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान मारा गया था ना। तो फिर आगे आते हैं बसियन की संधि 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई। एक्चुअली ये जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, ये बड़े ही मजबूर थे, ठीक है, मजबूर इन द सेंस कि इनके अपने ही इनके खिलाफ जालसाजी और षड्यंत्र, ठीक है, धोखाधड़ी, ये सारी चीज़ें का ये खुद शिकार थे, ठीक है, रंजिश का शिकार थे, जिसकी वजह से इन्होंने अंग्रेजों के साथ ये बसियन की संधि कर ली 1802 में। और ये संधि, सहायक संधि स्वीकार करने वाले ये पहले मराठा सरदार बने, पेशवा बाजीराव। एक पेशवा बाजीराव सेकंड थे जिन्होंने बसियन की संधि में बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार कर ली, और एक था पेशवा बाजीराव प्रथम, ठीक है, बाजीराव प्रथम, जिसके बारे में जिसने अपना मतलब जिनके ऊपर एक मूवी बनी है ना, वो बाजीराव मस्तानी करके, ठीक है, बाजीराव मस्तानी करके संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई है, जिसमें एक फेमस डायलॉग है कि चीते की चाल बाज की नज़र, चीते की चाल बाज की नज़र, और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते, ठीक है। उस तरीके से उसका कारण ये था क्योंकि उसकी जो युद्ध नीति बाजीराव प्रथम की, वो मानी जाती थी कि उन्होंने मतलब शिवाजी के स्तर की थी, इस वजह से उसको दूसरा शिवाजी भी बोला जाता, सेकंड शिवाजी, बाजीराव प्रथम को सेकंड शिवाजी भी बोला जाता है, ठीक है। तो बसियन की संधि किसने की? बाजीराव सेकंड ने की। इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली। इस संधि के अब देखिए सहायक संधि में भी अंग्रेजों का बहुत फायदा होने वाला था। कैसे? उसने कहा कि लगभग 60,000 सैनिक हम देंगे आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन उसके बदले में आपको 26 लाख रुपये पर ईयर, मतलब हर साल वार्षिक रूप पे जो 26 लाख रुपए आपको हमें देना होगा। तो दोनों तरफ से उनका फायदा था, एक तो उनकी सेना बढ़ रही थी, पड़ोसी राज्यों पर कंट्रोल हो रहा था, कोई राजा राज्य उनके खिलाफ बगावत नहीं कर सकता था, और उसके बदले उन्हें पैसा मिल रहा था, ठीक है, तो एक तगड़ी नीति थी। आगे आते हैं, तो लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का उपयोग किया, उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया, ठीक है। इसी वजह से कहते हैं कि जो 1765 में अवध ने पहली बार सहायक संधि एक्सेप्ट की थी, ये पहले से था, ठीक है। इनफैक्ट डुप्ले प्रथम यूरोपीय ऐसा था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी, अंग्रेजों ने यह प्रणाली बेहतर तरीके से अपनाई, ठीक है। तो वेलेजली ने सबसे बेहतर तरीके से अपनाई, उसने सिर्फ इसको फॉलो किया, इसका आविष्कार नहीं किया था। प्रथम सहायक संधि 1765 में जो हमने पहले बता दिया, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली द्वारा विशिष्ट रूप से परिवर्तित सहायक संधि स्वीकार करने वाले कौन कौन से राज्य हैं। देखिए ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉर्ड वेलेजली द्वारा सहायक संधि किसने किसने स्वीकार की, कब स्वीकार की? सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, अवध दोबारा भी स्वीकार किया था 1801 में, पेशवा 1802 बसियन की संधि के द्वारा, बरार, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मशेरी, बूंदी, भरतपुर, ठीक है, ये सारे राज्य जो है उसकी सहायक संधि को एक्सेप्ट किए थे। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं सर जॉर्ज बार्लो, 1805 से 1807 इनका कार्यकाल था, जिसके दौरान एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंस हुआ, वो है वेल्लोर विद्रोह 1800 में। वेल्लोर एक्चुअली मद्रास में है, मतलब उस समय मद्रास में था। इसमें क्या हुआ था, जो वहाँ के सैनिक थे उनके वेशभूषा और पहनावे पर, रहन सहन पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहा कंपनी ने, ठीक है, उन्होंने उसको एक गोल हैट पहनाने की कोशिश की, ज़्यादा डिसिप्लिन करने की कोशिश की। उस गोल हैट में कुछ चमड़े का कुछ पार्ट लगा हुआ था, जिसकी वजह से असंतोष पैदा हुआ उन भारतीय सैनिकों में, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, ये वेल्लोर वाला विद्रोह कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 के बीच में। अब इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंस हुआ, रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि, ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया, दोबारा डिस्कस करना उचित नहीं होगा, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, अब देखिए यहाँ तक था जो सहायक संधि चल रही थी, ठीक है। सहायक संधि के बाद यहाँ पे आते हैं व्यक्तिगत वाला सिद्धांत, ठीक है, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, अब उनको अपने में विलय करने वाला। तो पहला लॉर्ड हेस्टिंग के अंतर्गत आता है आंग्ल नेपाल युद्ध, ठीक है, 1814 से 1816 के बीच में, और ये ख़त्म हुआ सगौली या सुगौली की संधि 1816 से, ठीक है। इसमें भी अंग्रेजों का फ़ायदा हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश
या उत्तर प्रदेश बिहार और ये जो नेपाल के बीच का जो तराई एरिया है, ये नेपालियों के कंट्रोल पहले था, फिर ये सुगौली के संधि से ये तराई एरिया अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया। ठीक है, तीसरा मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच में हुआ और मंदसौर की संधि से ख़त्म हुआ। इसमें हुआ कि इसमें पूरी तरीके से मराठा जो है नष्ट ध्वस्त हो गया, मराठा संघ का विघटन हो गया, उसके जगह पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी का निर्माण हुआ और वहाँ पर एक गवर्नर रखा गया 1818 में। ठीक है, इसमें होलकर थे, और भोसले थे, ये सारे लोग जो है इस मराठा संघ में इस समय ये युद्ध में पार्टिसिपेट किए थे। सिंधिया ने इसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, इसलिए सिंधिया के साथ एक अलग संधि की अंग्रेजों ने 1817 में, और उसको अलग कर दिया कि तुम पार्टिसिपेट न करना आंग्ल मराठा युद्ध में। ठीक है, पिंडारियों के साथ संघर्ष, एक्चुअली पिंडारियों का संघर्ष और ये मराठाओं का युद्ध दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। पिंडारी जो थे ये मुस्लिम लड़ाका थे। ठीक है, ये मालवा और मराठा राज के बीच में रहा करते थे। ठीक है, तो अंग्रेजों को डर था कि पिंडारियों की सहायता से जो मराठा हैं कहीं हमें चैलेंज ना करने लगे, इस वजह से उन्होंने पिंडारियों के साथ संघर्ष में उनका भी दमन किया। पिंडारी एक्चुअली ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं कर पाए और साथ ही साथ मराठाओं का भी दमन कर दिया। मद्रास के गवर्नर जनरल गवर्नर थॉमस मुंडो द्वारा रयतवारी प्रणाली की स्थापना की गई 1820 में। ठीक है, यही एक सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है कि रयतवारी प्रणाली की स्थापना किसने की, तो मद्रास के गवर्नर थॉमस मुंडो द्वारा। ठीक है, दो तीन प्रणालियाँ और भी थी, एक महलवारी प्रणाली, ठीक, और एक है अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जो था, ठीक है, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। उसमें उसका मतलब ये होता था कि हम थोड़ा डिफरेंस बता देते हैं, रैयत वाली सिस्टम, महार वाली सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट या अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त में जमींदारों को, लैंड होल्डर्स को पूरी ज़मीन दे दी जाती थी कि ये आपकी ज़मीन है, आप इस पर खेती करिए, कराइए किसानों के द्वारा, और हमको एक फिक्स परमानेंट जो रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता है, हर साल उसको देना होता था। उसके बाद जो बचे उसमें से कुछ हिस्सा जमींदारों के पास रहता था और उससे भी बचने के बाद किसानों के पास जाता था। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और भी एक्सपेक्ट किया जाता था कि अस्थाई बंदोबस्त में जो ज़मींदार होते हैं वो मिडिलमैन होते हैं, लेकिन जो महल वाले सिस्टम होता है उसमें एक गांव या तीन चार गांव का एक संगठन बना के उसे महल बोला जाता है। वो जो है गांव के किसानों से कर इकट्ठा करता है, लैंड टैक्स या कृषि भूमि का जो टैक्स होता है वो इकट्ठा करता है, फिर जाके वो अंग्रेज़ों को देता है। ठीक है, और वहीं अगर रैयत वाली प्रणाली की बात करें, इसमें डायरेक्ट किसान जो है सीधा अंग्रेज़ों को टैक्स देता है, कृषि टैक्स। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अगर आपको याद हो, तेलंगाना गवर्नमेंट की एक स्कीम रही है रायतु बंधु स्कीम। ठीक है, रायतु बंधु स्कीम में वही है जो हमारा किसान सम्मान निधि है, उसी तरीके का एक स्कीम है, वो भी किसानों को हर महीने कुछ कुछ कैश देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो रायतु से वहीं से ये निकल के आया है रैयत वाली, मतलब कि किसान। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे गवर्नर जनरल जो रहे हैं, अभी हम 1823 तक पहुंच गए हैं, उसके आगे बढ़ते हैं तो लॉर्ड एमहर्स्ट, क्योंकि 1823 से 1828 के बीच में गवर्नर जनरल रहे। प्रथम बर्मीज युद्ध, प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच में हुआ था और ये यांडवू पर शांति समझौता हुआ था। ये जो युद्ध था ना, काफ़ी कॉस्टली था, लगभग 15,000 के आसपास इंडियन और अंग्रेज सैनिक जो है इसमें मतलब मारे गए थे इस युद्ध में, प्रथम बर्मा युद्ध में, और बर्मा की तरफ से तो और भी ज़्यादा। तो देख सकते हैं, 2 साल तक लगातार चला था, 24 से 26 तक लगातार इंडियन की तरफ से ये जो मतलब असलहा बारूद और खाने पाने की चीज़ें, ये सारी चीज़ों की सप्लाई अच्छी थी, इस वजह से ये युद्ध भी जो है अंग्रेज जीत पाए और आखिर में यांडवू की शांति समझौता हुआ। फिर भरतपुर पर कब्जा 1826 में हुआ। भरतपुर एक्चुअली मतलब आज भी ये राजस्थान का पार्ट है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि इन्होंने, भरतपुर के जो किंग थे, उन्होंने अपने किला, एक तो इनका ये किला हो गया, ठीक, उस किले के बगल चारों तरफ एक दीवार खड़ी करी थी।
ठीक है, मतलब किले की किलेबंदी करी गई थी। उस किले और उस दीवार के बीच में पर्याप्त गहरा नाला था, ठीक है, नाला था। और ये जो नाला था ये एक लेक पर बने हुए बांध से कनेक्ट था। तो जब इन पर कोई भी एनिमी, कोई भी शत्रु आक्रमण करता तो यहीं से ये पानी खोल देते, बांध वाला पानी जो है लेक से खोल देते, और इनका शत्रु आके इसी बीच नाले में डूब के अक्सर मर जाया करता था। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा इन्होंने अपना फोर्ट, अपना किला बनाया हुआ था। लेकिन अंग्रेज क्योंकि वो और दुष्ट चालाक धूर्त थे, तो उन्होंने क्या किया, वो जाके पहले, सबसे पहले इस बात पे ही कब्जा कर लिए कि तुम खोल ही ना पाओ। ठीक है, तो बात पे कब्जा कर लिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे जाके, ठंडियों का मौसम था, लगभग दिसंबर जनवरी के आसपास 1826 में, तो पहले बात पर कब्जा किए, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनका किला गिराया, फिर जाके भरतपुर पर कब्जा किया। तो इस तरीके से भरतपुर पर कब्जा हुआ था 1826 में, लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम पे। ठीक है, 1826, 27, 28 के बाद हम पहुँचते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बड़े इंपॉर्टेंट से गवर्नर जनरल रहे हैं बंगाल के भी, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रहे हैं, GGI। ठीक है, GGBII। ठीक है, तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका 1828 से 1835 के बीच में कार्यकाल रहा था। ये मतलब अपने सामाजिक सुधारों के लिए, ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स के लिए एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए, प्रशासनिक सुधारों के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। उसमें सती प्रथा हो गया, इन्फेंटिसाइड, बालिका शिशु वध, ठीक है, इन सारी सामाजिक कुरीतियों के साथ साथ ठगी समाप्त करने का और शांति व्यवस्था बहाल करने का भी इनको क्रेडिट जाता है। उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति यानी पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी अपनाई, मानी कि ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना है, इंटरफेरेंस जो है नहीं करना है, ठीक है, और न्यूट्रल रहना है। यहाँ तक कि जयपुर में अव्यवस्था ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया था कि ब्रिटिश रेजिमेंट पर ही एक बार प्रहार कर दिया गया, हमला हो गया, परंतु फिर भी वो इतना न्यूट्रलिटी वाली पॉलिसी अपनाई उन्होंने, बेंटिक ने, हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। उसी प्रकार जोधपुर हो गया, बूंदी, कोटा, भोपाल में भी पर्याप्त कारण थे हस्तक्षेप करने के, इंटरफेरेंस करने के, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। हालांकि आगे चलकर 1831 और 1834 में उन्होंने मैसूर तथा कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में ला लिया, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा ही अव्यवस्था फैल गई थी। ठीक है, तो एक की पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर भी अगर डिस्टर्ब हो जाए, तो उस बेस पे उन्होंने मैसूर, कछार और कुर्ग की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया था। ठीक है, ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब 7 वर्ष आगे बढ़े तो देखेंगे, 7 वर्ष में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजल दे दी गई। जैसे कि पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी भी इसका एक ही हिस्सा थी कि लगातार इसके पहले वो लोग युद्ध में ही शामिल रहते थे। अगर आप देखें लॉर्ड हेस्टिंग्स का, ठीक है, तो बर्मा युद्ध किया, नेपाल युद्ध किया, आंग्ल नेपाल युद्ध किया, मराठाओं से लड़ा, तो इस तरीके से वो लगातार लड़ाई ही कर रहा था। ठीक है, अब विलियम बेंटिक ने अपने 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों और संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी, मतलब खत्म कर दिया। ठीक है, भारत के इतिहास में हमने बताया सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण इनका नाम ज़्यादा याद किया जाता है। 1833 का चार्टर एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट सा चार्टर एक्ट है। इसमें कंपनी की जो मोनोपोली थी इंडिया में ट्रेड करने की, उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, और साथ ही साथ लॉर्ड विलियम बेंटिक को इसी 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, अब भारत के गवर्नर जनरल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और मद्रास प्रेसिडेंसी, वो पूरी तरीके से ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आ गई। ठीक है, इसी वजह से इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरीके से केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया भारतीय प्रशासन को। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही कैप्टन श्रीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया गया था। एक बड़ी सी इंटरेस्टिंग सी बात हमें समझ में आती है कि कैप्टन श्लिमैन, उसके नाम में ही लगता है कि स्लिम मैन, एक ऐसा आदमी जो पतला सा आदमी हो, स्लिम मैन, ठीक है, उसको ठगों को ठगने के लिए नियुक्त किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। लेकिन बाद में पता चला कि वो स्लिम मैन एक्चुअली आज का स्लिम मैन था, स्ट्रांग था,
उसने 1500 ठगों को बंदी बना लिया, अनेक ठगों को फांसी दी गई तथा और शेष बच्चे को आजीवन निर्वासित कर दिया गया है। और 1837 तक आते जाते जो ऑर्गेनाइज रूप से ठगों का गिरोह हुआ करता था, जिसे गिरोह बोलते हैं ना, संगठित रूप से ठगों का जो गिरोह हुआ करता था, फलाना सिंह ढिमकाना सिंह करके ऐसे को ठग होते थे ना, फेमस होते थे, तो उन लोगों का मतलब अंत हो चुका था। तो अब ऑर्गेनाइज वे में या कोई अनाउंस करके नहीं कह सकता था कहा हम ठग हैं, हम फलाना ठग हैं, हमारा दहशत होना चाहिए, वो सब चीज़ें 1837 तक आते आते ख़त्म हो गई थी। अब हम दासों की दास प्रथा जो थी उसके निर्यात पर या उनके उनसे रिलेटेड कुछ कानून जब बनाए थे उसकी थोड़ा क्रोनोलॉजी देखेंगे। तो 1789 की घोषणा द्वारा बंगाल में दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। अगर यहाँ आपको याद हो 1789 में कौन गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। 1811 से 1823 में दासों के संबंध में कानून बनाए गए। 1833 की चार्टर एक्ट में दासता को समाप्त करने के लिए गवर्नर से बोला गया कि कानून बनाए, ठीक है। 1843 में जो है समस्त ब्रिटिश भारत से दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। 1843 में जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड एलन बरो थे, ठीक है, लॉर्ड एलन बरो थे, वो एक्चुअली उन्होंने मतलब उन्हें 2 साल का ही कारोबार दिया गया था 1842 से लेके 44 तक, ठीक है। तो ये मतलब कह सकते हैं कि 2 साल का कारोबार उन्होंने बोरो किया था, इसलिए उन्हें उनका नाम लॉर्ड एलन बरो था। उनके टाइम में दास्ता को समाप्त करने के लिए स्लेवरी ऑफ इंडिया एक्ट 1843 लाया गया था। 1807 में इंडियन पिनल कोड में ये दास्ता को अपराध घोषित कर दिया गया। इसके पहले इलीगल था, अब ये क्राइम हो गया, ठीक है, 1807 में। चार्ल्स मेटकाफ, बड़ा ही मतलब छोटा सा कार्यकाल रहा 1 साल का 1835 से 1836, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट काम उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता उन्हें कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रेस पर से प्रतिबंध हटा दिया। जनरली क्या होता था ना कि मतलब प्रेस को बहुत मॉनिटर किया जाता था, देखभाल के उसमें छपने को बोला जाता था कि ठीक है हमको पहले दिखाइए क्या 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 इसमें छपा है, कहीं सरकार के विरुद्ध कुछ तो नहीं छाप दिए हैं जिससे लोगों में जो उसके मतलब विरोध हो। तो ये सारी चीज़ें फिर उन्होंने ये सब जो प्रतिबंध थे से हटा दिए। इस वजह से चार्ल्स मेटकाफ को लिबरेटर ऑफ इंडिया प्रेस कहा जाता है। चार्ल्स मेटकाफ ने एक ही काम काफ़ी अच्छे से किया, ठीक है, मतलब कि मिटा दिया, मेटकाफ मिटा दिया काफ़ी अच्छे से काम, कौन सा, प्रेस पर से प्रतिबंध। ये एक बेवजह का नॉनसेंस था, बट आई होप आई डिड दैट नॉनसेंस, ठीक है। अब वही स्लीमैन जिसने ठगों को ठगा था, 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग सा लिंक निकल के आता है कि पहले ब्रिटिश लोग जो है अवध को अवध अवध बोलते थे, तो आउटरम के नाम को उन्होंने सोचकर सोचा होगा कि आउटरम जो अवध को अच्छे से हैंडल कर सकता है, इसलिए ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया, यानी कि अवध में जो सेना रहेगी उसका जो कमांडर रहेगा वो जेम्स आउटरम था 1854 में। अब ये 1854 में जो आउटरम को ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया, वही चल के आगे जो है अवध के लिए बड़ा घातक सा साबित हुआ। कैसे, उसने एक रिपोर्ट दी फरवरी 1856 में, जिसमें उसने कहा कि यहाँ का अवध का प्रशासन बहुत ही दूषित है और जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से वाली पॉलिसी थी, उसमें ये भी था जैसे कि जिस राजा का मेल वारिस नहीं रहेगा, ठीक है, मेल वारिस नहीं रहेगा, उत्तराधिकारी नहीं रहेगा, उसके राज्य को हड़प लिया जाएगा, विलय कर लिया जाएगा, वो जाके अंग्रेज साम्राज्य में लैप्स हो जाएगा। और साथ ही साथ एक और प्रावधान था कि जिसके यहाँ कुशासन होगा और मतलब भ्रष्टाचार फैला होगा उसको भी शामिल कर लिया जाएगा, उसका भी विलय कर लिया जाएगा। तो अवध को इसी बेस पर, कुशासन के बेस पर जो है अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया 1856 में। हालांकि ये बड़ा इनके लिए घातक साबित हुआ 1857 में, उसके बाद जाके क्रांति, इंडिया की पहली स्वतंत्रता की क्रांति हुई, इसमें ठीक ठाक नुकसान अंग्रेजों को भी हुआ, ठीक है।
तो लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में, अब देखिए लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल यहाँ पे मेंशन है 1848 से 1856, अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी राज में विलय कर लिया। वही चीज़ अच्छा, इससे एक चीज़ और निकल के आती है कि नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन कहाँ है, वो है लखनऊ में। ठीक है, अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापकत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ पेप्सी के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश में सतारा 1848 में, जयपुर एवं संबलपुर, ध्यान दें सतारा सबसे पहले, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली एंड अवध भी था। ठीक है, हालांकि ये जो करौली है, करौली के व्यापकत प्रस्ताव को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने अस्वीकार कर दिया। वजह इसकी ये थी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि करौली का जो किंग है, करौली का जो राजा है, वो एक हिंदू राजा था। ठीक है, हिंदू राजाओं में यह ट्रेडिशन भी थी कि अगर उनका मेल वारिस नहीं होगा तो वो अपनी पुत्री को, अपनी डॉटर को भी अपना उत्तराधिकारी बना देते थे। ठीक है, इस वजह से करौली वाला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने मना कर दिया। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया, जग विदित है, ये सर्वविदित है। ठीक है, प्रथम रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ बिछी, 1853 में बम्बई से थाले के बीच डलहौजी के समय बिछी। ठीक है, कौन सी कंपनी के द्वारा रेल यात्रा का प्रारंभ, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे द्वारा किया गया। ठीक है, अच्छा अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है, थोड़ा मेंस के लिए भी आपके काम आएगा, कि भारत में रेलवे का विकास का मुख्य उद्देश्य जो था, दो तीन उद्देश्य, उसमें सबसे खास ये था कि कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक लेके जाना, ताकि बंदरगाहों से फिर ये अपने ब्रिटिश साम्राज्य में लेके जा सके। दूसरा, सेना को दूर दराज के क्षेत्र तक पहुँचाना भी एक इसका मकसद था, ताकि ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाले किसी विद्रोह को सरलता से कुचला जा सके। रेलवे में ढेर सारे सैनिक एक साथ भरे जा सकते थे, और अगर रेलवे की का नेटवर्क अच्छा है तो काफ़ी कम समय में ज़्यादा सैनिक एक जगह पे पहुंचाए जा सकते थे। ठीक है, तो इस वजह ये सब एक पर्पज़ था। रेलवे का सर्वाधिक विकास लॉर्ड कर्जन के टाइम पे 1900 ईस्वी के आसपास हुआ। ठीक है, लॉर्ड कर्जन बहुत ही धूर्त, क्रूर एवं मगरूर गवर्नर जनरल था। इसने बहुत मतलब एक्सट्रीम वाले काम किए, वो आगे आपको दिखेगा। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ। आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल था 1884 से लेके 88 तक, ठीक है, 1884 से लेके 88 तक, माने कि 4 साल तक था। तो इसमें जो है उसने, लॉर्ड डफरिन ने 1835 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, उसके बाद 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया। यहीं पर एक पॉइंट और मेंशन कर दें कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ बर्मा के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935 के द्वारा बर्मा को इंडिया से अलग भी कर दिया जाता है। ठीक है, एक्ट था 1935 का, 1937 में अलग होता है। ठीक है, बर्मा, तो अभी देखिए 1836 में बर्मा को भारत में विलय कर लिया गया, और वही जाके बाद में 1937 में अलग कर दिया जाता है। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का जो कार्य था वो एक सैनिक बोर्ड पर था। डलहौजी ने इसे एक डिपार्टमेंट बनाया, ठीक है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PWD, सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया, और इसके उपयोग के लिए बहुत सारा पैसा भी दिया। ईश्वरचंद विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, वीडो रीमैरिज एक्ट 1856 पारित हुआ। देखिए, वीडियो भले लंबी हो जाए, लेकिन यहाँ मैं एक मिनट का समय लेना चाहूँगा ये मेंशन करने के लिए कि आज का समय है जहाँ हम अपने आप को बहुत मतलब मॉडर्न मानते हैं, अपडेटेड मानते हैं, और बोलते कि हाँ हम जागरूक हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंट हैं, उसके बाद भी समाज के कुरीतियों, समाज की बुराई वाली नीतियों के खिलाफ जाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है आज के समय में भी। ये तो 1856 की बात है, और किस नियम के लिए इन्होंने प्रयास किया, विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, उस समय एक ऐसा समय हुआ करता था, इवन राजा राम मोहन राय 1828-30 में भी इन्होंने बहुत प्रयास किए, ब्रह्मसभा सब किया। ठीक है, और सती प्रथा खत्म करने के लिए उनका भी योगदान बहुत अतुलनीय है। तो ऐसे कड़े जो सामाजिक नियम थे, जो कि बहुत ही असामाजिक थे एक्चुअली,
उसके खिलाफ, जबकि वो इससे इनका कोई संबंध नहीं था, ये लोग विधवा नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी मानवता देखिए, उनके हृदय में इतनी मतलब कोमलता थी, इतना दृढ़ हृदय और कोमल हृदय था कि दूसरे की प्लाइट को, दूसरे की पीड़ा को समझ लेती थी। तो उन्हें लगा कि जो विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता, उन्हें सामाजिक बहिष्कृत कर दिया जाता है, वो गलत है। उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी लॉर्ड कैनिंग के साथ, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास कराया, विडो रिमैरिज एक्ट भारत। तो ये जो रियल हीरोज़ हैं, इनको हमें ज़्यादा अप्रिसिएट, ज़्यादा रिस्पेक्ट एंड ज़्यादा आइडियलाइज करने की ज़रूरत है, इनकी इनकी एग्जाम्पल्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। और हम फॉलो क्या करते हैं, हम फॉलो करते हैं नेता को, अभिनेता को, ठीक है। नेता अभिनेता के लिए हम अक्सर जो कीबोर्ड वॉरियर भी बने रहते हैं, लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, जबकि उसमें से भी अभिनेता तो बोल के कहता है भैया मैं तो अभिनय कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पे ज़्यादा बिलीव ना करना कि मैं रियल हीरो नहीं। नेता तो वो भी नहीं करता, नेता तो एकदम से बताता भी नहीं कि मैं अभिनय कर रहा हूँ, जबकि और भी तगड़ा अभिनय करता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो इस बात से एग्री ना करे कि जो जितना बड़ा नेता होता है उतना ही करप्ट, ठीक है, उतना ही झूठा, उतना ही स्वार्थी होता है। कोई इस बात से डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम लोग लगे रहते हैं कि ये नेता बढ़िया, वो नेता बढ़िया, ठीक है। ज़्यादा रियल हीरो तो ये लोग थे, तो इनको हमें ज़्यादा अप्रिसिएट और ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है, ज़्यादा फॉलो, ज़्यादा आइडियलाइज करने की ज़रूरत है, ये चीज़ मैं कहना चाहता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये जो विधवा विवाह था वो नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया, और उनसे उत्पन्न होने वाले संतानों को भी वैध घोषित किया जाने लगा। कितना कठिन, मतलब कितना इनह्यूमन, अमानवीय व्यवहार होता था उन लोगों के साथ, विधवाओं के साथ। और पहले तो ये भी होता था ना कि मतलब कम उम्र में शादियां हो जाते थे, फिर जल्दी से उनके जो पति जनरली मतलब या तो बीमारियों से या किसी दूसरे कारण से अगर 18 साल 20 साल 26 30 साल की उम्र में चले जाते थे, तो फिर क्या करें, या तो सती हो जाएं या तो जो है विधवा का जीवन जिए। कितना मतलब इनह्यूमन अमानवीय माहौल था, हमारा समाज कितना असामाजिक था। एक्चुअली विधवाओं के कल्याण से जुड़े कुछ अन्य नेता थे पश्चिमी भारत में, विष्णु शास्त्री और डीके कारवे, दो दो केशव कारवे, ठीक है, ये लोग महाराष्ट्र में ज़्यादा फेमस थे। डीके कारवे ने तो 1899 में पूरा में विधवा आश्रम की स्थापना भी की थी, ठीक है। तो इन सबको हमें ज़्यादा फॉलो एडिलाइज करने की ज़रूरत है, ये एक्चुअली हमारे इंस्पिरेशन हो सकते हैं। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा, ठीक है। महारानी की उद्घोषणा से हुआ क्या, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई। तो जब 1857 की क्रांति खत्म हुई, उसमें महारानी की उद्घोषणा में ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म होगा और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाया जाएगा। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग को ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है कि आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और प्रथम वायसराय भारत के जो थे लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, 1858 से 1862 के। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1877 में नियुक्त किया गया। एक्चुअली हुआ क्या, 1877 में अगर आपको पता हो तो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था। तो उसमें जो है उसने 1877 में एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, ठीक है, जनवरी 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी और उन्हें भारत की साम्राज्ञी भी घोषित किया गया था। अच्छा, ये जो कैसर हिंद है इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। इंडिया में दो लोगों को और दिया गया है जो सरोजिनी नायडू जी रही हैं, प्रथम महिला राज्यपाल जो रही हैं, ठीक है, सरोजिनी नायडू एंड महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, इन दोनों लोगों को भी दिया गया था। महात्मा गांधी जी को दिया गया था जो 1899 में बोर युद्ध हुआ था, बोर वॉर, ठीक है, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में एक्चुअली हुआ था, उसमें उनके योगदान के लिए गांधी जी को 1915 में, ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने को आया था, 1915 में इन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी, ठीक है। और फिर वही जाके वो खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे, खिलाफत आंदोलन और जो 1920 के आसपास ये इस टाइटल को छोड़ देते हैं महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात, कैसर हिंद महारानी विक्टोरिया को भी दिया गया था उपाधि और महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू जी को भी दिया गया था। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि
कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 के बीच में हुआ। ध्यान देने वाली बात है कि प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में मराठाओं के साथ पहले से हो रहा था, मैसूर के साथ पहले से हो रहा था, कितने युद्ध हुए, ठीक है, बर्मा के साथ युद्ध हो गया, भूटान के साथ हुआ, इन सब के साथ हुआ, लेकिन अफगान के साथ अभी तक नहीं हुआ था। इसका कारण थे महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है, रणजीत सिंह जो कि सिखों के सबसे महान मतलब शासकों में गिने जाते हैं। सिख साम्राज्य का सबसे अच्छा विस्तार महाराजा रणजीत सिंह ने ही किया था। तो होता क्या है, एक तो ये पड़ गया हमारा पंजाब, फिर उसके बाद आता ही अफगानिस्तान, इधर थे जो अंग्रेजों का मतलब बरतानिया साम्राज्य था, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का साम्राज्य था। तो अब ये जो पंजाब था ये बफर स्टेट का काम करता था, ठीक है। राजा महाराजा रणजीत सिंह का अच्छा संबंध था अफगानों के साथ, और उनका अच्छा संबंध ब्रिटिश इंडिया के साथ भी था, ठीक है। तो आपको अगर याद हो 1809 में अमृतसर वाली जो संधि हुई थी उसमें यही डिसाइड हुआ था कि रणजीत सिंह सतलज नदी के और ईस्ट साइड में या नॉर्थ साइड में नहीं जाएंगे, ईस्ट साइड में, ठीक है। और फिर इस बेस पे रणजीत सिंह को इधर साउथ साइड में जो बढ़ने का मौका मिल गया, अफगानिस्तान में भी गए, काबुल तक गए, और तमाम लाहौर और इन सब जगहों पर इन्होंने मतलब अच्छे से अपना साम्राज्य फैलाया। आपको याद हो कि लाहौर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, वहीं पर अपनी उन्होंने न्यायशाला बनवाई थी, अदालत बनवाई थी, जिसके कि वो खुद ही मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, ठीक है। शाह शुजा ने उन्हें 1813-14 में जो कोहिनूर सौंपा था। तो ये कारण थे महाराजा रणजीत सिंह, और महाराजा रणजीत सिंह जैसे ही 1839 में एक्सपायर होते हैं, देखिए तुरंत ही प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हो गया। इसमें भी जो अंग्रेज थे उनकी जो मतलब अग्रगामी नीतियाँ थी, एक्सटेंशन की नीतियाँ थी, लालच वाली स्वार्थ भरी नीतियाँ थी कि बाकी सारे राज्यों को अपने में मिला लिया जाए, वही अक्सर कारण हुआ करता था। लेकिन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में इस बार अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी, अंग्रेज इस बार जीत नहीं पाए। जो अफगान लड़ाका थे उन्होंने ठीक ठाक लोहा लिया और अपने ऊपर कब्जा नहीं होने दिया, ठीक है। तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड ऑकलैंड, 1836 से 1842, 6 साल के लिए थे, ठीक है। अब फिर द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध होता 1878 से 1880 में लॉर्ड लिटन के दौरान, ठीक है। लिटन भी एक बड़ा आतंकवादी टाइप का शासक हुआ करता था। तो 1843 के एक्ट 5 के द्वारा उन्होंने पहले डिस्कस किया कि लॉर्ड एलनबरो के शासन में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, ठीक है, और उन्हीं लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, ठीक है। देखिए अफगानिस्तान से युद्ध हो रहा 1839 में, फिर उसके बाद 43 में सिंध जो कि महाराजा रणजीत सिंह के पार्ट हुआ करता था उसको जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक जिनका की शासनकाल 1872 से 76 के काल तक चलता रहा, मतलब कि ज़्यादा कहीं इंटरफेरेंस नहीं करना है किसी के साथ और इनएक्टिव रहना है, अकर्मण्यता वाली पॉलिसी फॉलो करना है, ठीक है, किसी को छेड़ना नहीं है जब तक कि वो आपके अगेंस्ट काम ना करे। इस काल को कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है, ठीक है। और इसमें भी जो लॉर्ड लॉरेंस थे जिनका कि 1864 से 69 के बीच में कार्यकाल रहा है, उनके नाम से विशिष्ट रूप से जाना जाता है क्योंकि उनके वास्तव काल में इस नीति का सबसे अच्छा अनुसरण हुआ और स्पष्ट अवसर मिला। इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में, ठीक है। तो कुशल अकर्मण्यता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था JWS Wiley ने अपने एक लेख में, एडिनबरा रिव्यू के लेख में, ठीक है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो 1869 से 72 के काल में हुई, 1872 में प्रारंभ हुई, किंतु जो रेगुलर सेंसस स्टार्ट हुआ वो लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन कब से कब थे, वो थे 1880 से 84 तक, उसके बाद लॉर्ड डफरिन आ जाते हैं और लॉर्ड डफरिन के टाइम पे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का उदय होता है, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन के काल में नियमित
जनगणना रेगुलर सेंसस की जो है स्टार्टिंग हुई 1881 से, जबकि शुरुआत किसने किया तो लॉर्ड मेयो ने किया था। अच्छा, लॉर्ड मेयो के साथ एक बड़ी वैसी घटना घटी थी कि जब ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण पर थे तो शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। और ये पहले ऐसे वायसराय थे जिसकी हत्या उनके शासनकाल में ही हुई। एक्चुअली हुआ क्या, शेर अली अफरीदी ने मेयो को म्याऊ म्याऊ करते कहीं सुन लिया होगा, सोचा होगा ये बिल्ली है अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में, मतलब जंगल में, सोचा कि शेर जो होता है वही अकेला राजा होता, वहाँ बिल्ली राजा हो नहीं सकती, तो उसको उन्होंने हत्या कर दी। आप समझ सकते हो कि इतना नॉनसेंस मैंने क्यों किया। लॉर्ड मेयो को शेर अली अफरीदी ने मतलब मर्डर कर दिया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उनके कार्यकाल में हत्या होने वाली वो पहले वायसराय थे। 1876 में लिटन के वायसराय बनने आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। लिटन एक बहुत ही मतलब महत्वाकांक्षी वायसराय था, तो अब तक जो मास्टरली इनएक्टिविटी या अकर्मण्यता या जो है किसी को अनइंटरफेरेंस की नीति थी वो बदलकर अग्रगामी नीति में परिवर्तित हो गई, फॉरवर्ड पॉलिसी का अनुसरण होने लगा, यानी कि जाओ पकड़ो सबको अपने में विलय कर लो जीत लो, ठीक है। इसके दौरान उसने क्या किया, मेजर सैंडीमन को बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में भेजा गया, ठीक है। और एक्चुअली होता क्या, देखिए एक तो इसका नाम है सैंड माने बालू, और बलूचिस्तान में ही भेज दिया, ठीक है। तो क्या लगता है कि नाम की वजह से इसके बलूचिस्तान में एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया था, आई डोंट नो, बट थोड़ा थोड़ा रिलेशन तो है। तो इस तरीके से हस्तक्षेप ना करने के स्थान पर हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई गई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 पारित किया लॉर्ड लिटन ने, ठीक है। इसमें यही था कि आप जो भी छापेंगे जो भी लिखेंगे उसकी एक दो प्रिंट पहले हमारे पास पहुँचाएंगे, हम देखेंगे उसमें अंग्रेजों के खिलाफ कुछ तो नहीं लिखा हुआ है, कुछ भड़काऊ चीज़ तो नहीं लिखी हुई है, अगर ऐसा कुछ होगा तो आपका जो प्रेस जब्त कर लिया जाएगा और आपको आगे से छपने नहीं दिया जाएगा। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम पे ही लागू होता था, इंग्लिश वाले समाचार पत्रों पर लागू नहीं होता था, ठीक है। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम यानी कि गैगिंग एक्ट भी कहा गया। अर्जुन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीत गामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक बताया। ऑब्वियसली ये मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच या जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है इसको कर्व कर रहा था, उसको रोक रहा था। श्री एसएन बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात, एसएन माने सुरेंद्रनाथ बनर्जी, वही सुरेंद्रनाथ बनर्जी जिन्होंने 1905 में जो बंगाल विभाजन था, स्वदेशी आंदोलन था, उसका नेतृत्व किया था, बहुत अच्छे से मेन लीडर बन के उभरे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उन्हें इसे आकाश से वज्रपात कहा था। आगे आता है अल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। सर पीसी अल्बर्ट जो थे वो वायसराय की परिषद के एक लॉ मेंबर थे, ठीक है। उन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे अल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। उस विधेयक में था क्या, जात भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएँ तुरंत समाप्त कर दी जाएँ, जिससे कि भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों को शक्तियाँ समान दे दी जाएँ, ठीक है। अब इससे जो है अंग्रेजों को मिर्ची लग गई, उन्हें लगा जो उनका जो विशेषाधिकार था उस पर कुठेराघात किया जा रहा है, कि अब जो हिंदी लोग हैं या भारतीय लोग हैं वो भी यूरोपियन लोगों को कटघरे में खड़े कर सकते हैं, उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं, ठीक है, उनकी सुनवाई कर सकते हैं, ये यूरोपियन लोगों को मंजूर नहीं था। इस वजह से उन्होंने बहुत हाय तवा मचाया, इसको बोलते अल्बर्ट बिल विवाद। किसके टाइम पर हुआ था, लॉर्ड रिपन के विवाद समय में, ठीक है। लॉर्ड रिपन थोड़ा उदारवादी वायसराय थे, इसी वजह से उनके समय में हो पाया। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था 1880 से 1884 के बीच में, भारत के वायसराय सबसे अधिक उदारवादी थे, उन्होंने यही चीज़ कहा। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूर वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिसे फर्स्ट फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में उन्होंने प्रावधान दिया कि जो 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको फैक्ट्री में काम नहीं करना है, एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्रतिदिन 9 घंटे की कार्यावधि निश्चित की गई, तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान भी उनके लिए किया गया, ठीक है। हालांकि ये बहुत पर्याप्त तो नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से जाके 1891 में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम आया, जिसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई।
लॉर्ड मायो के समय में सृजित स्थानीय शासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किए। शुरुआत तो लोकल गवर्नमेंट की जो लॉर्ड मेयो ने की, लेकिन उसको अच्छे से नियमबद्ध किया, उन्हें ढंग से लागू करने लायक जो बनाया वो बनाया लॉर्ड रिपन ने। इसी वजह से लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की प्रस्थापना के साथ शुरू हुआ। ध्यान दीजिए ये जो क्रोनोलॉजी है, ठीक है, 1884 में कलकत्ता में उस समय कार्यकाल था वॉरेन हेस्टिंग्स का, उनके समय में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना की जाती है, ठीक है, पुरातत्व सर्वेक्षण के संबंधित ये सोसाइटी थी। फिर आगे जाके 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंगम को पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किया जाता है। तो कैनिंग ने कनिंगम को नियुक्त कर दिया पुरातत्व सर्वेक्षक। देखो समस्या ये नहीं है कि कनिंगम को पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था कि नहीं, समस्या ये होती है कि जॉन मार्शल को पहले नियुक्त किया गया कि कनिंगम को कब नियुक्त किया। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैनिंग ने कनिंगम को नियुक्त किया, कैनिंग कनिंगम, ठीक है। तो अब कैनिंग का शासन काल कब से कब था, 1858 से 62 तक, ठीक है। तो 61 में कनिंगम को, मतलब कि पहले कनिंगम आते हैं, उनको पुरातत्व सर्वेक्षण नियुक्त किया गया। तथा 1871 में, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि पहले 61 फिर 71 फिर 1901, ठीक है, 71 में पुरातत्व सर्वेक्षण को एक अलग से विभाग बनाया गया। ध्यान देने वाली बात है कि अभी 1871 तक पुरातत्व सर्वेक्षण का सिर्फ एक विभाग था, लेकिन लॉर्ड कर्जन जो कि 1901 में उसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्चुअली है, ठीक है, वो एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया। लॉर्ड कर्जन शासनकाल 1899 से 1906, एक्चुअली ये 7 साल का है। कर्जन माने, कर्जन में जॉन है और जॉन मार्शल है, कर्जॉन, लॉर्ड कर्जॉन मार्शल, ऐसे हो सकता है क्या, देख लीजिए अगर कुछ हो सके तो। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट, अगर ऐसा कुछ अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर सकते हैं, कोई उसमें संकोच करने की बात नहीं है, ठीक है। एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत को ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। ये भी एक इंटरेस्टिंग सा और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ लॉर्ड कर्जन के दौरान, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। हमने पहले कहा कि कर्जन एक बहुत ही क्रूर, निष्ठुर, ठीक है, और घमंड से मगरूर भरपूर था, तो इस वजह से उसकी तुलना जो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले ने औरंगजेब से की थी। गोपाल कृष्ण गोखले कैसे कर सकते थे, ध्यान अगर आपको याद हो 1905 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, बनारस में अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, जीके गोखले, वही गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल क्या बोलते हैं उसको, टीचर माने जाते हैं, ठीक है। उन्हें 1905 का जो मतलब अधिवेशन था बनारस में हुआ था, उसमें उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी, और यही समय था लॉर्ड कर्जन का, ठीक है, देखें 1899 से 1905 में। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने औरंगजेब से इनकी तुलना, कर्जन के प्रशासन की तुलना की थी। नंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो सेकंड 1905 से 10 को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया, तथा जॉन मार्ले को भारत का ये सचिव नियुक्त किया गया, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया। अब जॉन मार्ले ने जान तो नहीं मारी, लेकिन आत्मा निकाल ली इंडिया की, कैसे, ये मार्ले मिंटो सुधार नहीं, इन्होंने उधार कर दिया इंडिया पर एक जो कॉम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम लाके, ठीक है, कॉम्युनलिज्म लाए, ये मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार, सेपरेट वोटिंग राइट्स दिया और सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया
मौर्य मिंटो सुधार में, ठीक है, कि मुसलमानों को अलग से मताधिकार की जरूरत है, इसलिए इनको जो मौर्य मिंटो है, मिंटो लॉर्ड मिंटो, इनको जो है कॉमनल इलेक्टोरेट का फादर या जनक बोला जाता है। इंडिया में कॉमनल इलेक्टोरेट का जनक बोला जाता है लॉर्ड मिंटो को। और कॉमनलिज्म, कॉमनलिज्म का जो अवार्ड था वो आपको 1932 में जाके रमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा कॉमनल अवार्ड पारित किया गया था, ठीक है, इसलिए उन्हें कॉमनलिज्म का फादर बोला जाता है इंडिया का। वो आगे आएगा, आगे हम देखेंगे। अच्छा, 1906 में आगा खान के द्वारा मुस्लिम लीग की जो है स्थापना होती है, और इसी लॉर्ड मिंटो, मौर्य मिंटो के शासनकाल के दौरान हमारा मतलब बंगाल विभाजन होता है और स्वदेशी आंदोलन होता है, और इसके बाद कांग्रेस का भी विभाजन होता है। तो पहले बंगाल विभाजन होता है, फिर जाके स्वदेशी आंदोलन होता है जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी मेन लीडर निकल के आते हैं। फिर उस आंदोलन को कहाँ तक फैलाना है और उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसमें मतभेद हो जाने की वजह से जो कांग्रेस दो भागों में बट गई, नरम दल गरम दल, ठीक है। और ये जो अधिवेशन था कहाँ बटे, ये सूरत अधिवेशन 1907 में, ठीक है, जिसकी की अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने, ठीक है, रास बिहारी घोष जी ने अध्यक्षता की थी यहाँ पर सूरत में। सूरत में एक्चुअली हुआ क्या, सूरत में जो एक्सट्रीमिस्ट थे या नरम दल और गरम दल थे, एक दूसरे की सूरत देखना पसंद नहीं करते थे, ठीक है, इस वजह से रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में 1907 में दोनों अलग हो गए। और वही जाके फिर 1916 में लखनऊ पैक्ट के थ्रू लखनऊ अधिवेशन में जाके हंसी अंबिका चरण मजीमदार के मतलब प्रेसिडेंटशिप में एक दूसरे से गले मिल जाते हैं, हंस मिल के, ठीक है, तो फिर से एक हो जाती है कांग्रेस। यहाँ पर अलग होती है 1907 में। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग टू, अब देखो लॉर्ड मिंटो सेकंड थे, अब लॉर्ड हार्डिंग सेकंड भी आते हैं, ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट कब थे ये ध्यान देना है। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट थे 1844 से लेकर 1848 तक, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट 1844 से 48 के बीच में थे। तो उनके पहले कौन थे, 2 साल के लिए एलन बरो थे, ठीक है, जब 42 से 44 तक, ओके, और फिर 36 से लेके 1836 से लेके 1842 तक थे ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है, और उनसे पहले चार्ल्स मेटकाफ, उनसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस तरीके से आप थोड़ा एक बार रिवाइज कर लें। लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911 में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। ध्यान अगर आपको ध्यान हो कि 1905 में कलकत्ता को या बंगाल को डिवाइड किया गया, ठीक है, 1911 में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। इसके लिए बकायदा एक फिर से दिल्ली दरबार लगाया गया, ठीक है, तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया जिसमें जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया गया तथा दिल्ली में भव्य दरबार में उनका स्वागत किया गया 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के वायसराय काल में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बता दें, टोटल 3 दिल्ली दरबार। एक तो आपको पहले आपने सुना 1877 में जब उन्हें कैसर हिंद और भारत की साम्राज्य का उपाधि दिया गया महारानी विक्टोरिया को, ठीक है, फिर दूसरा आता है लॉर्ड कर्जन के दौरान 1903 में दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है, और ये तीसरा जो है 1911 में जब दिल्ली मतलब राजधानी जो है भारत की कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई, ठीक है, इसी दरबार में बंगाल के विभाजन को भी रद्द कर दिया गया। कलकत्ता से राजधानी छीन ली गई और बंगाल विभाजित किया गया, उसके फिर से जो है एक साथ कर दिया गया, वहाँ से फिर आसाम निकाला गया, उड़ीसा निकाला गया, बंगाल को एक साथ किया गया, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ तक जो था इन्होंने घटनाचक्र वालों ने कवर किया था, इसके आगे हम जो है स्पेक्ट्रम की बुक को फॉलो करेंगे और पूरा 1947 तक चलेंगे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से
1921 इनके समय में एनी बेसेंट तथा तिलक द्वारा होम रूल लीग का गठन किया जाता है। ओके, दोनों लोगों ने अपना अपना होम रूल लीग बनाया। तिलक जी ने पहले बनाया था, ठीक है, तिलक जी ने पहले बनाया था ये महाराष्ट्र के आसपास का एरिया लेके, ठीक है, और फिर बाकी इंडिया का जो एरिया था वो एनी बेसेंट के होम रूल लीग के अंतर्गत आया था। ठीक है, यहाँ पर नेहरू लोग भी इसमें समर्थन किए थे और तमाम बड़े बड़े नेता भी इसमें शामिल हुए थे। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ, हमने बताया। देखिए, लखनऊ में ही आके कांग्रेस के नरमगल और दरमगल क्यों मिले, क्योंकि तो कहते हैं ना कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, जब मुस्कुराएंगे तो मिलना पड़ेगा ना, गले मिलना पड़ेगा, गले मिले जाके जो है नरम दल और गरम दल यानी कि तिलक जी को कांग्रेस में फिर से शामिल कर लिया गया। ठीक है, किसके मतलब लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था उसमें प्रेसिडेंट कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार, मतलब मजे मजे में उन्होंने चरण पकड़ के तिलक और इनका नरम दल गरम दल को एक साथ मिला लिया लखनऊ अधिवेशन में। लेकिन उसी में एक चीज और भी, इतना ज़्यादा मुस्कुरा दिए ये लोग कि इन लोगों ने मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता कर लिया। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ समझौता हो गया, लखनऊ पैक्ट 1916 में। अब इसमें इससे ये हो जाता है कि कांग्रेस जो है वो मतलब उसको एक सेपरेट पार्टी के रूप में, सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है। अब यहाँ से लोचा होना शुरू हो जाता कि टू नेशन थियरी धीरे धीरे जो है उसका बिल्डअप स्टार्ट होता है। ठीक है, तो गांधी जी की वापसी, गांधी जी वापस कब आए, 1915 में, एक्चुअली 9 जनवरी 1915 में आए। ठीक है, 9 जनवरी 1915 में, तो इसी कहाँ से आए, साउथ अफ्रीका से। इसी वजह से 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया के रूप में मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक्चुअली ये 2003 से सेलिब्रेट किया जा रहा है, गांधी जी के आगमन को ही केंद्र में रखते हुए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 1915 को गांधी जी 9 तारीख को जनवरी में भारत वापस आए थे। अब वापस आने के बाद उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की सबसे पहले 1916 में। ठीक है, फिर चंपारण सत्याग्रह किया, गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1917 में। एक्चुअली इसमें होता क्या है, तीनकठिया सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तीनकठिया सिस्टम जो चंपारण एक बिहार का मतलब जिला है, ठीक है, वेस्ट चंपारण, तो वहाँ पर क्या होता था कि इंडिगो की खेती, नील की खेती होती थी। ठीक है, तीनकठिया सिस्टम के अंतर्गत क्या होता था कि 3/20 भाग पर, मतलब 20 भाग अगर आपकी ज़मीन है तो उसका 3 भाग पे आपको नील की खेती करनी ही करनी थी, उसको तीनकठिया सिस्टम बोलते थे। या यूँ कहें कि 15% जो आपकी ज़मीन है उस पर आपको नील उगाना ही उगाना था। ठीक है, अब क्या हो गया था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वहाँ पर सिंथेटिक नील या सिंथेटिक कलर का आविष्कार हो चुका था, जिससे ये जो इंडिगो था या नील की खेती थी इसमें प्रॉफिट बहुत कम हो गया था, इसका दाम कम हो गया था। इस वजह से अब जो ये नील के प्लांटर्स थे ये ज़बरदस्ती इनसे मतलब नील की खेती करवाना चाह रहे थे, तो इनसे परेशान होकर एक थे राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी के पास गए। उन्होंने कहा चलिए आप हमारा जो प्रतिनिधित्व करिए। गांधी जी गए, उन्होंने पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन किया वहाँ पे। कैसे किया सविनय अवज्ञा, मतलब जब वहाँ पे गए तो वहाँ पर अंग्रेजों ने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, छोड़ के चले जाइए चंपारण जिला को। ठीक है, गांधी जी ने कहा मैं आपकी आज्ञा को नहीं मानूंगा, उसकी अवज्ञा कर दी। इसी वजह से बोलते हैं कि फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था 1917 में चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने आजमाया था। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि गांधी जी का फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कौन सा था, या ऑप्शन दे दिया जाएगा अहमदाबाद में, चंपारण में, खेड़ा में। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए कि चंपारण में ही गांधी जी ने पहला अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रैक्टिस किया था इंडिया में, और सफल भी रहे थे। फिर अगला जो उनका सत्याग्रह था वो था अहमदाबाद में। अब एक बार किसानों के लिए सुन ली, अब दोबारा चलते हैं मिल वर्कर्स की भी सुन लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपना भूख हड़ताल प्रैक्टिस किया। इसमें क्या होता है, ठीक है, 1918 में एक्चुअली वो था, भूखमरी आई थी, प्लेग था, मलेरिया था, मलेरिया महामारी फैली हुई थी।
ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई थी, और उसके साथ साथ फसल भी क्रॉप फेल्योर भी हुआ था। तो क्या होता है कि ये जो अहमदाबाद के मिल मालिक थे, उन लोगों ने 50% जो प्लेग बोनस बढ़ा हुआ था उसको देने से मना कर रहे थे। तो इसके चक्कर में मतलब उनको काफ़ी आर्थिक संकट उठाना पड़ रहा था मिल वर्कर्स को। तो उन्होंने गांधी जी से गुहार लगाई, गांधी जी गए, उन्होंने कहा कि मान लो इनकी बात, जो आप 50% का बोनस उसको देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं दोगे तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। गांधी जी वहाँ ने भूख हड़ताल प्रैक्टिस की, हंगर स्ट्राइक। तो पहला मतलब हंगर स्ट्राइक उनकी कहाँ पर थी, अहमदाबाद में। तो उनकी ये तीन चार तरीके थे सत्याग्रह करने की, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और जो भूख हड़ताल, इस तरीके से। फिर उसके 7 दिन बाद ही खेड़ा सत्याग्रह शुरू हुआ। अब देखो मिल वर्कर की सुन ली, फिर जाके खेतिहर किसानों की बात आती है। तब क्या हुआ कि भाई क्रॉप फेल्योर हुआ था, ठीक है, महामारी फैली हुई थी। तो जो अंग्रेज थे वो किसानों से बोल रहे थे कि आपको 23% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। एक तो बेचारों की फसल बर्बाद हो गई थी, उस पर एक्स्ट्रा टैक्स 23%। तो इसके वजह से उन्होंने विरोध किया, गांधी जी का आह्वान किया, गांधी जी गए, उन्होंने पहला असहयोग आंदोलन किया कि हम इसमें आपका कोई सहयोग नहीं करेंगे, हम नहीं देंगे एक्स्ट्रा टैक्स, ठीक है। एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देने के लिए उन्होंने पहला जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ पर 1818 में खेड़ा में प्रैक्टिस किया, ठीक है। ये तीन चार चीज़ें आपको इसमें देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो हल्के हल्के मैं बता दे रहा हूँ उसको आप पॉइंट के तरीके से बड़ा सीरियसली लेंगे, क्योंकि कौन सी चीज़ कहाँ से कब कैसे घुमा के पूछ लिए, देखिए मतलब किसी भी एग्जाम में किसी को कुछ पता नहीं। मोंटेगू की अगस्त घोषणा 1917 में होती है। अब 1917 में मोंटेगू अगस्त घोषणा में होता क्या है, कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, बोलते हैं कि अंग्रेज़ों का, इंग्लिश का जो मतलब अंग्रेजी सरकार का ये एम है कि हम धीरे धीरे इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट लेके आएंगे, ठीक है। यही उनकी मोंटेगू की अगस्त की घोषणा थी 1917 में। लेकिन उन्होंने टाइम डिसाइड नहीं किया था कि किस समय में, बाद में एक बार तो जाके पता नहीं कौन सा वायसराय था बोलता था कि वो तो 500 साल की बात की थी, 500 साल में धीरे धीरे इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट आएगा, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 आया, बड़ा इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है। 1919 में एक्चुअली जो प्रोविंसेस थे, प्रांत थे, उसमें डायरची सिस्टम लाया गया। डायरची सिस्टम का मतलब कि अब कुछ विषय ऐसे थे जो डायरेक्ट गवर्नर के थ्रू एडमिनिस्टर किए जाएंगे, बाकी कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जिनको कि ट्रांसफर बोला जाता था, ठीक है, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो रिजर्व सब्जेक्ट जो था वो गवर्नर के लिए रिजर्व था, उसमें वो अपना पूरा क्रियाकलाप करता था, इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट थे वो रिजर्व में आते थे, बाकी ट्रांसफर सब्जेक्ट थे उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी वो उसको मतलब उस पर नियम कानून बनाना था, उसको फॉलो करना था, ठीक है। इसको बोलते हैं डायरची सिस्टम। और तमाम चीज़ें इस 1919 के अधिनियम में हुई, ठीक है, वो सब इसी के अंतर्गत जाके 1926 में यूपीएससी का गठन किया जाता है। इसमें यूपीएससी के गठन में 1924 में जो है 1924 में एक ली कमीशन था, ठीक है, ली आयोग, उसका बड़ा स्ट्रांग रिकमेंडेशन था। तो इन सब के रिकमेंडेशन पे 1919 के नियम के तहत जाके 1926 में यूपीएससी का गठन होता है, और इसी के तहत 1927 में वो आते हैं साइमन कमीशन आता है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें थी, इसको अलग से डील करना चाहिए, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। भारत सरकार अधिनियम 1919 किसके दौरान हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के दौरान, ठीक है। मोंटेगू और फोर्ड, चेम्सफोर्ड, तो मोंटफोर्ड रिफॉर्म भी इसको बोला जाता है, मोंटफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। रॉलेट एक्ट 1919, ये एक्चुअली ऐसा कानून था जिसको बोला जाता है कि बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून, रॉलेट एक्ट, जिसको कि गांधी जी ने काला कानून बोला था। और इसी रॉलेट एक्ट 1919 के अंतर्गत ये जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हुआ यूँ कि बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1919, ठीक है, तो वहाँ पर जलियांवाला बाग में काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है। तो अब चूँकि कर्फ्यू लगा हुआ था उस समय, ठीक है, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत 4 लोगों ज़्यादा इकट्ठा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो वहाँ पर जो उस समय गवर्नर थे पंजाब के, कौन थे, माइकल ओ डायर, ठीक है, माइकल ओ डायर थे। और जो
मतलब सैनिकों को का प्रतिनिधित्व कर रहा था, जो मेजर था, ठीक है, मेजर रेजिनल्ड डायर था, ठीक है, मेजर रेजिनल्ड डायर था, ठीक है। तो इन्होंने नियम बनाया, रॉलेट एक्ट, माइकल ओ डायर और मेजर रेजिनल्ड डायर जो था उसने फॉलो करवाया। तो इसने आदेश दिया कि जलियांवाला बाग में जितने लोग हैं उनको सबको गोलियों से भून दो। तो अब इसमें से देखिए, ध्यान देने वाली बात है, दो डायर थे, माइकल ओ डायर और रेजिनल्ड डायर। तो रेजिनल्ड डायर ने तो गोली चलवाई थी, लेकिन नियम बनाया था माइकल ओ डायर ने। इसी माइकल ओ डायर को 1940 में जाके उधम सिंह ने गोली मारी थी, इंग्लैंड में जाके, ठीक है, 1940 में माइकल ओ डायर को, जो गवर्नर था पंजाब का, उसको गोली मारी थी, ना कि जिसने गोली चलवाई थी उसको, ठीक है। तो जिसने नियम बनाया था उसको गोली मारी थी। तो जलियांवाला बाग नरसंहार हो गया। असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन का शुभारंभ हुआ। हमने बताया कि कैसरे हिंद की जो उपाधि थी गांधी जी ने इसी दौरान छोड़ दी थी। पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी, महर्षि डॉक्टर धोंदो केशव कर्वे के द्वारा, ठीक है, 1916 में। आपको पता होना चाहिए कि विधवा आश्रम जो है उन्होंने बनवाया था 1899 में, 1899 में विधवा आश्रम भी के डी कर्वे ने बनवाया था। और पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किया, तो बहुत मतलब बड़ा योगदान है। तथा तो शैक्षिक नीति में सुधार के लिए सैडलर कमीशन 1917 में आया था, ठीक है। तिलक की मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920 को। बिहार के राज्यपाल के रूप में एसपी सिन्हा जी की नियुक्ति होती है। राज्यपाल के रूप में वो बनने वाले वो पहले भारतीय थे, एसपी सिन्हा बिहार के राज्यपाल बनते हैं, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग, रीडिंग पढ़ नहीं पाया चौरी चौरा घटना को, 5 फरवरी 1922 को होती है, जिसमें एक मतलब चौरी चौरा नामक स्थान पर एक थाने में ही आग लगा दिया था, इसमें काफ़ी कई अंग्रेजी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इसके बाद इस घटना से मतलब नाराज होकर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है। केरल में मोपिला विद्रोह होता है 1921 में। एक्चुअली हुआ क्या, केरल के मालाबार एरिया में ये होता है कि जो वहाँ के मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने हिंदू जमींदारों पर और अंग्रेजों पर अटैक कर दिया, उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसमें लगभग 7,000 के आसपास लोग मारे गए थे, ठीक है। बड़ा विद्रोह था, मोपिला विद्रोह, मोपिला जो मुस्लिम थे, ठीक है, उन्होंने केरल के मालाबार एरिया में विद्रोह किया था 1921 में। 1910 के प्रेस अधिनियम तथा 1919 के रॉलेट एक्ट को निरस्त किया गया लॉर्ड रीडिंग के द्वारा। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम तथा कपास उत्पाद शुल्क का उन्मूलन, ठीक है, ये कपास एक्साइज का उन्मूलन किया गया तथा आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम। एक्चुअली आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहता हूँ एक्साइज और कस्टम ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, कस्टम ड्यूटी क्या होती है। एक्साइज ड्यूटी होती है जो मतलब अपने देश में, अपने प्रदेश में जब कहीं कोई प्रोडक्शन करता है, कोई उत्पादन करता है, तो उस उत्पादन पर लगने वाला जो टैक्स होता है वो एक्साइज होता है। और कहीं दूसरे प्रदेश में या दूसरे देश से जो चीज़ आयात की जाती है, इंपोर्ट की जाती है, उस पर जो टैक्स लगता है अपने देश में आने पर, अपने प्रदेश में आने पर, उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, ठीक है। ये चीज़ें हैं, मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, अरवी तथा कलकत्ता में उस समय सांप्रदायिक दंगे फैले हुए थे। सियारदास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है 1922 में। सियारदास उस समय जो थे जेल में थे, और उसके पहले का जो कांग्रेस का अधिवेशन था इन्होंने ही हेड किया था। मोतीलाल नेहरू इस स्वराज पार्टी के सेक्रेटरी बनते हैं और सियारदास इसके प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। हुआ यूं कि कांग्रेस में थोड़ा सा मतलब जो गांधी जी थे, पटेल जी थे, इन लोगों का मानना था कि मतलब बाहर से ही हम अपना ये असहयोग आंदोलन चलाएंगे, सरकार को सरकार में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। और सी आर दास, मोतीलाल नेहरू द्वारा ये तर्क दिया गया था कि हम सरकार के अंदर रहकर भी उनके काम को बाधित करेंगे, जिससे कि सरकार को काम नहीं करने दिया जाए, ठीक है। तो हालांकि गांधी जी बहुत ज़्यादा इनसे एग्री नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप बाहर रह के काम नहीं कर सकते तो उचित होगा कि आप अंदर जाकर ही अपना प्रयास कर लें, कम से कम अशांत ना बैठे रहें, है ना। अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं लगाना जरूरी है। इस बेस पर इन लोगों को अनुमति मिली, तो इन लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की 1922 में। बड़ा इंपॉर्टेंट सा ये सवाल है, बहुत बार पूछा गया है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, कब की, ठीक है, और क्यों की। तो ये तो यूपीएससी के मेंस में पूछा जा चुका है।
1923 से दिल्ली और लंदन दोनों में ICS ठीक है इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा एक साथ आयोजित करने का निर्णय लिया गया। ठीक, काकोरी ट्रेन डकैती होती है 1925 में। एक्चुअली क्या है, 1925 में सहारनपुर से एक ट्रेन चलती है काकोरी कांड, इसको बोलते हैं काकोरी में। उस ट्रेन को अपने असलहों की पूर्ति के लिए, अपने मतलब वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, अपने आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए जो क्रांतिकारी युवा थे उन्होंने काकोरी में ट्रेन डकैती की। ठीक है, इसमें ज़्यादातर खास तौर से नाम आता है वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान, ठीक है, और रोशन सिंह, ये लोग थे। तो इन लोगों को जो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान और रोशन सिंह, इन लोगों को जाके मतलब इस ट्रेन का कोई ट्रेन डकैती में के अंतर्गत इनको 2 साल बाद 1927 में जाके फांसी हो जाती है इसी के अंतर्गत। ठीक है, और स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 में होती है। एक्चुअली श्रद्धानंद जी क्या थे कि ये एक थोड़ा रिलीजियस लीडर थे। आपको अगर याद हो तो 1875 में जो शुरू हुआ था आर्य समाज का, आर्य समाज जो शुरू हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है, उसमें उनका एक मूवमेंट था शुद्धि मूवमेंट। उसमें ये होता था कि जो कन्वर्टेड हिंदू थे, मुसलमान में कन्वर्ट हो गए थे या किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गए थे, उनको वापस शुद्धिकरण किया जाता था हिंदू रिलीजन में लाने के, उसको शुद्धि मूवमेंट बोलते थे। ये जो स्वामी श्रद्धानंद जी थे ये भी शुद्धि मूवमेंट का पार्ट था स्टार्ट में। फिर क्या हुआ, ये धीरे धीरे थोड़ा सा सेकुलर हो गए, तो ये मुस्लिमों की मीटिंग्स भी अटेंड करने लगे, उन्हें भी प्रीच करने लगे, उन्हें भी जो है उपदेश देने लगे। फिर अपने लास्ट समय में ये पूरी तरीके से फिर से वापस आके शुद्धि मूवमेंट पर पूरी तरीके से जुट गए। ठीक है, शुद्धि आंदोलन में, शुद्धिकरण में जुट गए। तो इससे क्या हुआ कि मुसलमान लोग इनसे थोड़ा सा खफा थे। इन्होंने बीच में कुछ इनके पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ टिप्पणी भी की थी, जिससे एक मतलब एक लड़का जो था मुस्लिम लड़का अब्दुल राशिद करके, ठीक है, वो इनसे इतना खफा हुआ, इनसे गया धर्म कर्म पर चर्चा करने इनके मठ में, और वहीं पर इनकी हत्या कर दी। ठीक है, ये इनकी कहानी थी। लॉर्ड इरविन आते हैं 1926 से 1931 के बीच में, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जो इंसिडेंस हुआ था, ठीक है, 1924 में गांधी जी पहली बार और आखिरी बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, कांग्रेस के सेशन के। ठीक है, लॉर्ड इरविन 1926 से 1931, सेवन कमीशन का भारत दौरा 1928 में आया और भारतीयों द्वारा इसका बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि इसमें 7 मेंबर थे, 7 तो जो है वाइट थे, यूरोपियन थे, इसमें इंडियन को शामिल नहीं किया गया, तो इसलिए इंडियंस ने इसका बहिष्कार किया। और होता क्या है, इसी बहिष्कार के दौरान नवंबर में जाके जो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उस पर वो उस बहिष्कार में, उस प्रदर्शन में, उस विद्रोह में वो बहुत प्रखर और मुखर तरीके से शामिल हुए थे। तो उन पर जो लाठीचार्ज होता है, एक जेम्स स्कॉट करके एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस था, ऑफिसर था, ठीक है, उसने लाठीचार्ज का आदेश भी दिया और पर्सनली भी लाला लाजपत राय जी पर जो है प्रहार किया, जिसकी वजह से नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इससे जो गुस्साए भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग जो युवा मतलब क्रांतिकारी थे, इन लोगों ने कहा कि उनका बदला लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ हुआ 1928 की मतलब नवंबर में लाला लाजपत राय जी की डेथ होती है, और दिसंबर 1928 में जाके इन्होंने सैंडर्स, जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। ठीक है, जॉन सैंडर्स को एक्चुअली गलती से मारा गया, जेम्स स्कॉट को मारना था, ठीक है, लेकिन उस पहचान नहीं पाए और लाहौर में जाके उसको मतलब पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी। अब पुलिस अधीक्षक जब सैंडर्स की हत्या कर दी, बड़ी बात थी, तो उसी को बोला जाता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसके अंतर्गत राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी हुई जाके फिर 23 मार्च 1931 में। ठीक है, और उसके बीच में 1929 में बटुकेश्वर दत्त और ये भगत सिंह, ये लोग गए दिल्ली असेंबली में, जो कि हार्मलेस बम फेंका, दो हार्मलेस बम फेंका, इसलिए टू मेक द डीफ हियर, मतलब बहरों को सुनाई सुनाई दे, इसके लिए उन्होंने बम फेंका, हार्मलेस मतलब नुकसान रहित बम था,
ये बताने के लिए कि अगर हम चाहते तो एकदम मतलब वो वाला बम भी फेंक सकते जिससे आप लोगों की मृत्यु होती, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारी बातें सुने, ठीक है, हमें इग्नोर ना करें और जो गलत नीतियाँ बना रही है अंग्रेजी सरकार उसको ना बनाएं। तो इस चक्कर में तो दो तीन इसमें क्या हुआ, बटुकेश्वर दत्त थे उनके साथ, ठीक है, भगत सिंह के साथ, तो कुल मिला के ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस खूब ज़्यादा ही बढ़ गया। फिर जाके 1931 में क्या हुआ कि इन लोगों को फांसी दे दी गई, ठीक है, 23 मार्च, इसी वजह से 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, भगत सिंह को शहीद आजम भी कहा जाता है। और इसी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के दौरान जब ये लोग सजा काट रहे थे, जेल में थे, तो भूख हड़ताल के बाद जतिन दास थे उनकी मृत्यु हो गई, 63 डेज की हंगर स्ट्राइक किया जतिन दास ने, 63 दिन की भूख हड़ताल की, और 1929 में आखिर उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में, पूर्ण स्वराज संकल्प। अब ये क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, देखिए सब पूरा लाहौर लाहौर ही चल रहा है, तो लाहौर में अधिवेशन भी है 1929 में, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू ने, ओके, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की, तो वहीं पर पूर्ण स्वराज का संकल्प भी लिया गया, ओके। और तो और इसी के साथ एक चीज़ और बताते चलें, पूर्ण स्वराज का संकल्प, अब देखिए नेहरू जी का मतलब इसके पहले एक छुटभैया नेता हुआ करते थे नेहरू जी, लेकिन अब उनका कद बढ़ रहा था, कांग्रेस का मतलब प्रेसिडेंट बनने का उनको मौका मिल गया लाहौर के अधिवेशन में, वहाँ पर पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया, और वहीं पर 31 दिसंबर 1929 की रात में रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने अपने कुछ और समर्थकों के साथ, सहयोगियों के साथ तिरंगे झंडे को पहली बार फहराया। तो इससे 3-4 चीज़ें पता चलती हैं, एक तो ये कि रावी तटी के किनारे ही लाहौर बसा हुआ है, ठीक है। अब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का बैकग्राउंड स्टार्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम इसको बोला जाता है। इसके लिए गांधी जी ने दांडी मार्च किया 12 मार्च 1930 को, ठीक है, 12 मार्च 1930 को जो है गांधी जी ने दांडी मार्च किया। अब ये क्या था, साबरमती उनका आश्रम था, ठीक है, वहाँ से शुरू करके दांडी तक इनको जाना था, तो अपने 80 सहयोगियों के साथ लेकर गांधी जी साबरमती से दांडी मार्च करते हैं, दांडी में जाते हैं, मार्च में ही मार्च करते हैं, वाह क्या इंटरेस्टिंग है। अच्छा देखिए ये डेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 12 तारीख है और इसी का डबल होता 12 दून 24, तो अगर 24 में जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा 6 अप्रैल, ठीक है, 12 मार्च में 24 दिन और जोड़ दिया 6 अप्रैल आ जाएगा, ठीक है, अगर 30 माना जाए, हालांकि 31 का महीना होता है फिर भी, तो 6 अप्रैल को जाके ये दांडी पे पहुँचते हैं गांधी जी, वहाँ पर जो समुद्र का पानी होता है उसको उबाल कर नमक बनाते हैं। ये एक्चुअली 1882 का एक कानून था, नमक कानून, जिसके विरोध में गांधी जी ने ये दांडी मार्च किया था, तो वहाँ पर वो नमक कानून तोड़ा जाता है, ठीक है, और उसी के साथ सिविल डिसोबीडियंस यानी कि अवज्ञा कर दी, उनका कानून था अंग्रेजों का, उसके बाद भी नमक बनाया, कानून यही था कोई और नमक नहीं बनाया, उस पर हैवी टैक्स लगाया गया था, उसकी अवज्ञा की इसी वजह से ये भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बना, सविनय अवज्ञा आंदोलन बना, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा की गई 1929 में, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था, लखनऊ में संविधान के लिए सुझावों के लिए लखनऊ में 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका रिपोर्ट नेहरू का रिपोर्ट या नेहरू संविधान कहा जाता है। एक्चुअली हुआ क्या, उसके पहले अंग्रेजों ने इंडिया के बारे में एक बात कही कि तुम लोग क्या यार स्वतंत्रता स्वतंत्रता करते रहते हो, तुमसे तो एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं हो पाएगा, बना नहीं पाओगे, अपना संविधान नहीं बना पाओगे, इसको चैलेंज लिया, सारे दल एक साथ आए, लखनऊ में मुलाकात की 1928 में, जिसके मतलब हेड थे मोतीलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है, मोतीलाल नेहरू ने मतलब अपनी अध्यक्षता में 1928 में एक रिपोर्ट बनाई संविधान बनाया, जिसे नेहरू रिपोर्ट या नेहरू संविधान कहते हैं, और लॉर्ड इरविन का जो दीपावली घोषणा थी, ठीक है, 1929, इसका भी यही मकसद था कि धीरे धीरे हम जो है इंडियंस में सेल्फ गवर्नमेंट लेके आएंगे, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, गांधी इरविन समझौता 1931 तथा उसका का बहिष्कार और सविनय अवज्ञा आंदोलन का निलंबन। इस लाइन को समझने के लिए देखिए, गोलमेज सम्मेलन इस वजह से हो रहे थे, इससे 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें डिसाइड हुआ था कि 10 साल बाद हम डिसाइड करेंगे कि आगे का
कानून किस तरीके से बने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किस तरीके से बनाया जाएगा, 1935 में जो बना था उसकी ये पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। तो तीन गोलमेज सम्मेलन हुए, थ्री राउंड टेबल ऑफ कॉन्फ्रेंसेस हुए, तीन के तीनों लंदन में हुए, और तीन के तीनों को अटेंड करने वाले जो इकलौते फेमस नेता थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो पहला तो कांग्रेस ने अटेंड नहीं किया। दूसरे के होने से पहले गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें गांधी जी ने अपनी कुल 11 मांगे रखी। ठीक है, उसमें ये हुआ कि जो प्रिजनर्स उनको रिलीज कर दिया जाए, सॉल्ट टैक्स खत्म कर दिया जाए, ठीक है, और पाउंड और स्टर्लिंग का रुपयों के साथ जो रेशियो था उसको कम किया जाए इस तरीके से, और नागरिकों को अपनी सुरक्षा के लिए मतलब हथियार रखने की अनुमति दी जाए, ये कुछ चीज़ें थी ऐसी। और उसमें उन्होंने ये भी कोशिश की कि जो भगत सिंह का मतलब फांसी का वो था, फांसी होनी थी, उसको भी उन्होंने टालने की कोशिश की, लेकिन जो वायसराय इरविन था वो इसको मानने को तैयार ही नहीं हुआ। मानने को तैयार नहीं हुआ तो वो गांधी जी उसकी उनकी फांसी रुकवा नहीं पाए। अब रुकवा नहीं पाए इसी वजह से गांधी इरविन समझौते का बहिष्कार किया गया। अगला जो कराची में सम्मेलन होना था, ठीक है, अब इसमें मतलब अगर इरविन ने इतनी मांगी गांधी जी की मानी, तो गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित करने का आश्वासन दिया। ठीक है, अब देखिए सेकेंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस होता, उससे पहले जो हमने कहा कि 1931 में कराची कॉन्फ्रेंस होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसके कि उस समय प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की प्रोग्राम्स की बात की गई, इन सारी चीज़ों की बातें की गई। तो और एक्चुअली हुआ कब था वो, जैसे 23 मार्च को फांसी हुई भगत सिंह को, ठीक है, और इनका जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो 29 मार्च को ही था, 6 दिन बाद। ताज़ा ताज़ा खबर थी, बहिष्कार हुआ बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड विलिंगडन का शासनकाल देखते हैं, 1931 से 1936। इसमें हुआ दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसमें कि गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि इरविन गांधी समझौता हुआ तो उसमें ये एग्री किए थे कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन वहाँ पर कोई दाल गली नहीं, गांधी जी की कोई बात सुनी नहीं गई। ठीक है, तो फिर वहाँ पर सम्मेलन की विफलता हो गई, फिर वहाँ से वापस आके गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की बहाली फिर से शुरू कर दी। सांप्रदायिक अवार्ड, कॉमनल अवार्ड, ठीक है, घोषणा, हमने कहा ना कि रैमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था उसने ये घोषणा की, जिसके अंतर्गत अलग अलग सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र स्थापित किए गए। पहले क्या था, पहले मुस्लिमों को दिया गया था वोटिंग राइट्स, फिर उसके बाद इंडियन, यूरोपियन और सिखों को दिया गया। ठीक है, फिर इसमें जाके और भी अलग अलग ग्रुपों को दिया, महिलाओं को दे दिया गया, इंडियन यूरोपियन दे दिया गया, और जो है कौन से क्रिश्चियन थे उनको दिया गया, तमाम मतलब और भी अदर अदर ग्रुप्स को भी बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक कर दिया गया निर्वाचन क्षेत्र को। ठीक है, तो इसके खिलाफ गांधी जी येरवाडा जेल में थे उस समय, आमरण अनशन पर बैठ गए। ठीक है, आमरण अनशन अनशन पर बैठ गए कि इतना ज़्यादा ये कॉमनल अवार्ड जो है इसको फॉलो नहीं होना चाहिए। अब इस इनका आमरण अनशन तुड़वाने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी गए, उन्होंने पूना पैक्ट पर समझौते पर हस्ताक्षर किया 1932 में, जिसके बाद गांधी जी का आमरण अनशन समाप्त होता है। ठीक है, हालांकि इस पूना पैक्ट में हुआ क्या कि उनको 148 सीटें रिजर्व की गई कि पिछड़ों के लिए, या जो SC ST थे, ठीक है, दलित लोग थे, उनके लिए जो है अनटचेबल्स के लिए 148 सीटें आरक्षित करी गई, और ये तो मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट में था, सेंट्रल गवर्नमेंट 20% सीटें आरक्षित करने की बात की गई। हालांकि यहाँ पर भी B.R. अम्बेडकर जी का मानना था जो ये कॉमनल अवार्ड था ये मतलब पिछड़ी जातियों के लिए बेहतर विकल्प था, लेकिन गांधी जी का मानना था कि इससे वो और भी पिछड़े हो जाएंगे, जो मतलब हिंदू कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाएगी। थर्ड गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ 1932 में। अब ये तीन गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो गए, लंदन हुई है, इसके बेस पर जाके 1935 में भारत सरकार अधिनियम लाया गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिनियम है, इसको अलग से डील करना ज़रूरी है, नहीं तो अकेले इस पर भी मतलब आधे घंटे का वीडियो कम से कम बनाया जा सकता है। तीन चार बातें हम इसमें कहना चाहेंगे कि यहाँ पर इन्होंने कोशिश किया कि भारत को एक संघ बनाया जाए, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट है, अब हमने कहा था ना कि बराबरी का जो नीति है, बराबर बराबर संघ की नीति ये होती है 1935 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों की ये नीति,
स्टार्ट होती है यहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टरी सिस्टम जो इसके पहले प्रोविंसेस पर था, प्रांतों पर लागू किया था, उसको ख़त्म करके इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट पर लागू कर दिया। ठीक है, केंद्रीय गवर्नमेंट पर लागू कर दिया। और तो और यहीं पर जाके तीन जो सब्जेक्ट्स हैं शक्तियों वाली, थ्री सब्जेक्ट्स ऑफ पावर्स, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, एक है प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाली, और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो उसकी प्रोविंशियल लिस्ट उसमें बोला जाता था। तो इसमें मतलब तीन लिस्ट में ये सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है। ये सारी चीज़ें थी, बहुत कुछ थी। एक शब्द में कहा जाए तो जो स्ट्रक्चरल ढांचा है, मतलब ढांचागत जो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, करंट कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 1935 वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर ही आधारित है। माने कि भारत एक संघ होगा जिसमें राज्य शामिल होंगे, ठीक है, वो मिले रहेंगे, तो ये सब जो 1935 वाले नियम से ही लिया गया। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा 1936। और अच्छा, एक्चुअली इसमें सहजानंद सरस्वती जी का और भी ज़्यादा योगदान था अखिल भारतीय किसान सभा में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में, ये एक्चुअली कांग्रेस का ही एक ब्रांच था जो सोशलिस्ट ब्रांच था, इसमें जयप्रकाश नारायण और ये आचार्य नरेंद्र देव, ये लोग सैफुद्दीन खिचड़ी, ये लोग जो हैं मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। वर्मा को भारत से अलग कर दिया 1935, इसको पहले ही उन्होंने बताया था। ठीक है, आगे आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। 35 तक हम आ गए, 36 में पहुंचते हैं तो लॉर्ड लिनलिथगो आते हैं। प्रथम आम चुनाव 1936-37 में होता है, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत हुआ, कम से कम 7 राज्यों में इन्होंने सरकार बनाई कांग्रेस ने। कहाँ कहाँ पर? एक तो हो गया आपका बिहार और उत्तर प्रदेश हो गया, जिसको कि यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था। ठीक है, यूपी हो गया, सेंट्रल प्रोविंस माने मध्य प्रदेश। ठीक है, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, इन सब जगहों पर कांग्रेस ने सरकार बनाई। ठीक है, और उधर असम और बंगाल में भी मतलब अलग अलग पार्टियों के साथ में इनकी सरकार बनी थी। ठीक है, लेकिन ये जो सरकार थी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। क्यों? क्योंकि 2 साल बाद ही 1929 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। हुआ क्या, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने, हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, तो 3 सितंबर को ये ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इन्होंने जर्मनी पर वार घोषित कर दिया। तो ये थर्ड सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया 1929 के शुरुआत मतलब सितंबर में। ठीक है, तो अब क्या होता था कि अंग्रेजों ने कहा कि हमारे साथ भारत के लोग भी हैं, मतलब भारतीयों से बिना पूछे ही भारत को उस वर्ल्ड वार में झोंक दिया, मतलब शामिल कर दिया। तो जिसके खिलाफ में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के 51वें सत्र 1938 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 51वां सत्र जो 1938 में हुआ था, ये हुआ था हरिपुरा में, हरिपुरा सेशन। हरिपुरा एक्चुअली सूरत में है, गुजरात के सूरत में हरिपुरा 1938 में। ठीक है, इस कार्यकाल को सुभाष चंद्र बोस ने पूरा किया। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। लेकिन अगला जो कार्यकाल था 1939 वाला, उसमें भी जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया त्रिपुरी में, त्रिपुरी। अब चूंकि ये पूरा नहीं था, पहले हरपुरा था तो उसका पूरा हो गया, लेकिन ये त्रिपुरी था, तो त्रिपुरी में जो है वो मतलब अध्यक्ष चुन तो लिए गए, प्रेसिडेंट चुन लिए गए इंडियन नेशनल कांग्रेस के, लेकिन गांधी जी से मतभेदों के चलते उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया 1929 में, और अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने पार्टी बनाई 1939 में। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया उस समय गांधी जी के कैंडिडेट थे। ठीक है, जिस पर उन्होंने कहा था कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, मेरी हार है, गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था। तो अच्छा, थोड़ा सा अगर इसको और खींचें तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, और फिर 1941 में उन्होंने इंडिया छोड़ दिया, इंडिया से निकल गए। फिर जाके 1943 में जाके वो जो इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की का संगठन इन्होंने अपने हाथों में संभाला। एक्चुअली इसको बनाया नहीं था। ठीक है, इसकी जो इंडियन नेशनल आर्मी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा।
कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह एक्चुअली क्या था, प्रिजनर ऑफ वार, इंग्लैंड की तरफ से लड़ने गए थे जापान में, जापान ने जिन लोगों को बंदी बना लिया था उसको बोलते हैं प्रिजनर ऑफ वार। तो उन प्रिजनर ऑफ वार को लेकर, बंदी युद्ध बंदियों को लेकर, ठीक है, ये कैप्टन मोहन सिंह ने सिंगापुर में एक्चुअली ये जो इंडियन नेशनल आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी थी, उसको बनाया। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ इस आर्मी के साथ, ठीक है, तो जिससे मतलब डिसअपॉइंट हो गए मोहन सिंह, फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो इसकी बागडोर संभाली रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी एक बड़े मतलब फेमस नाम थे ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में, रास बिहारी बोस। एक साल तक इन्होंने संभाला 1942 में, फिर 43 में सुभाष चंद्र बोस आ गए। तो सुभाष चंद्र बोस के हाथों में अब कमान आती है, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी की, आज़ाद हिंद फौज की। तो जिसके बाद वहाँ से लेके आते हैं इधर मणिपुर और अंडमान और निकोबार में, उस दिन तक इन्होंने कब्जा भी किया हुआ था, एक शॉर्ट में आंतरिक गवर्नमेंट भी, इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाई थी आज़ाद हिंद फौज ने, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी सुभाष चंद्र बोस जी को लेके। तो उसके बाद क्या होगा, मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव। अब एक्चुअली ये जो 1936-37 का चुनाव था, इसमें मुस्लिम लीग बहुत बुरी तरीके से मतलब परफॉर्म की थी, खराब प्रदर्शन था। तो अब क्या हुआ कि साइलेंट के बदले ये वायलेंट हो गए, ठीक है, वायलेंट हो गए। तो लाहौर प्रस्ताव में मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग की गई 1940 में, मुस्लिम लीग का जो सम्मेलन था, ठीक है। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया, कांग्रेस द्वारा इसकी आलोचना और मुस्लिम लीग द्वारा समर्थन, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, जैसे कि वर्ल्ड वार III चल रहा था, इधर भयानक युद्ध चल रहा है, तो अंग्रेजों पर थोड़ा सा दबाव बन रहा था कि इंडियंस का सहयोग जल्दी से जल्दी हासिल करना। उन्होंने अगस्त प्रस्ताव लाया, अगस्त प्रस्ताव में ये कहा कि हम धीरे धीरे जो है इंडियंस को गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल करेंगे, सरकार में और ज़्यादा इंडियंस को शामिल करेंगे, ये सारे लोक लुभावने वादे करने लगे, ठीक है। लेकिन कांग्रेस को ऐसा पसंद नहीं आया तो उन्होंने इसका मतलब बहिष्कार कर दिया। 1940 से विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस वाला एपिसोड तो हमने डिस्कस कर दिया। फिर क्रिप्स मिशन 1942 में आता है, ठीक है। क्रिप्स मिशन जो मतलब भारत को डोमिनियन का दर्जा, डोमिनियन स्टेटस देने का बात करता है, और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्थापित करने की बात करता है कि आपको मतलब मोस्टली इंडियन रहेंगे, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, संविधान सभा, जिसमें आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्रा करेंगे, और लेकिन उसमें मोस्टली इंडियन रहेंगे, सिर्फ वायसराय और कमांडर इन चीफ, माने कि जो आर्मी का जो चीफ होगा उसको छोड़कर बाकी सब इंडियन हो सकते हैं, ठीक है। कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया, और बाद में मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स मिशन को भी अस्वीकार कर दिया, और यहीं पर अंग्रेजों भारत छोड़ वाला जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वही पारित हुआ बॉम्बे के गोंडवालिया टैंक पर, ठीक है। एक्चुअली 8 अगस्त 1942 का दिन था, ठीक है, जहाँ पर गांधी जी ने आह्वान किया क्विट इंडिया मूवमेंट का, अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो का नारा दिया गांधी जी ने, ठीक है। तो वहीं पर फिर अगले दिन क्या होता, 9 अगस्त की मतलब मॉर्निंग में ही सारे नेताओं को, सारे बड़े बड़े नेता जो, उसको अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते, उसमें से नेहरू थे, गांधी जी थे, सारे लोग थे, उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जो भीड़ बस्ती हो लीडरलेस हो जाती है अपने नेता के बिना, वो और भी उग्र हो जाती है। इसी वजह से कांग्रेस, ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसको एकदम से मतलब अहिंसात्मक नहीं कहा जा सकता कि नॉन वायलेंट थी, वायलेंस इसमें हुआ था, और मतलब कितनी जगह पर तो कुछ समय के लिए अंग्रेजों से छोड़कर उस जगह को आज़ाद करवा लिया, वहाँ पर अपनी अंतरिम सरकार चलाई कुछ लोगों ने, ठीक है। इसको अगस्त क्रांति भी बोला जाता है, वही राष्ट्रीय नेताओं का की गिरफ्तारी, ये सब चीज़ें। मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन 1944 में उनकी मतलब डिमांड थी कि डिवाइड एंड क्विट, मतलब इंडिया को बांटो दो भाग में, टू नेशन थियरी, और छोड़ो, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, खाली भारत से चले जाओ, लेकिन मुस्लिम लीग ने 1944 में कहा कि नहीं, पहले बांटो उसके बाद जाओ। फिर आते हैं लॉर्ड वेवल 1944 से 1947 में, सी राजगोपालाचारी फार्मूला। देखिए सब लोग कोशिश करें कि इंडिया का डिवीजन ना हो, तो दो नेशन ना बने, ठीक है। सी राजगोपालाचारी ने कहा कि ठीक है पहले आज़ाद करवा लेते हैं, उसके बाद प्लेबिसाइट करवा लेंगे, ठीक है, जनमत संग्रह करवा लेंगे कि कौन किस में शामिल होना चाहता है, पाकिस्तान में कितना बनेगा क्या बनेगा।
फिर उसी बेस पर उसको एग्री नहीं हुआ, ठीक है, जिन्ना जो थे ये सी राजगोपालाचारी या सी आर फार्मूला को एग्री नहीं किए। फिर गांधी जी ने जिन्ना से बात की कि मान जाओ चीज़ें, ठीक है, किस तरीके से क्या समस्या है। तभी वो अब वो समझ चुका था कि अगर मतलब जिन्ना जो थे वो समझ चुके थे कि पाकिस्तान के अलावा उनकी कहीं दाल गलने वाली नहीं है, उन्हें पाकिस्तान चाहिए, तभी जाके मतलब वो भी एक बड़े लीडर कहलाएंगे। तो वो अब मानने को तैयार नहीं था, वो सिर्फ पाकिस्तान ही चाहिए था उनको, ठीक है। इस वजह से सी आर फार्मूला विफल हो गया, गांधी जिन्ना वार्ता विफल हो गई। वावेल योजना और शिमला सम्मेलन, एक्चुअली ये 42 नहीं है, ये 45 है, ठीक है, गलत इसमें प्रिंट हुआ है। वावेल प्लान कहाँ हुआ था, शिमला में हुआ था, इसलिए इसको शिमला सम्मेलन भी बोला जाता, दोनों एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ लोक लुभावने वादे, थोड़ा कंसेंसस दिया गया, थोड़ा सा मतलब और छूट दी गई कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिल जाएगी, डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो वावेल योजना को भी अस्वीकार कर दिया कांग्रेस ने, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया 1945 में, जब मतलब हिटलर की डेथ हो गई, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 के प्रस्ताव और कांग्रेस द्वारा इसकी स्वीकृति 1946 में। क्लेमेंट इटली एक्चुअली जो थे वो बने थे, मतलब उनका क्या बोलते हैं कि प्रधानमंत्री बने थे इंग्लैंड के, ठीक है, क्लेमेंट इटली। वो थोड़ा नरम दल के थे या उदारवादी दल के थे। उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा 1946 में, अपने कैबिनेट से तीन नेताओं को भेजा, अपने इंग्लिश कैबिनेट से, अंग्रेजों के कैबिनेट से तीन लोग आए, ठीक है। एक तो इसमें से क्रिस्प ही थे, ठीक है, पैथिक लॉरेंस थे और स्टेफर क्रिस्प थे और एवी अलेक्जेंडर थे, ठीक है, ये तीन लोग थे। तो ये तीनों लोग आए कैबिनेट मिशन के रूप में 1946 में, और इनके प्रस्ताव को कांग्रेस ने मान लिया। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दी 16 अगस्त 1948 में, ये 46 है, दो तीन मतलब इसकी मिसप्रिंट हुई हैं 1946, देखिए यहाँ पर हमने करेक्ट किया है। तो सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, मतलब कि अब हम जो है एनी हाउ येन केन प्रकारे हमें जो पाकिस्तान चाहिए तो चाहिए, 16 अगस्त 1946 में। और इसी के एक साल बाद जो है इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हो जाते हैं 15 अगस्त 1947 को। संविधान सभा के चुनाव, कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन 1946 में, इंटरिम गवर्नमेंट का गठन हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, और इसकी पहली मीटिंग जो होती है वो 1946 में होती है, ठीक है। 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट इटली इंग्लैंड प्रधानमंत्री द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा, ये क्लेमेंट इटली का जो स्टेटमेंट था 20 फरवरी 1947 को, उन्होंने कहा था कि 30 जून 1948 को हम जो है भारत को आज़ाद कर देंगे, 1948 की बात हुई थी। लेकिन फिर जाके मतलब लॉर्ड माउंटबेटन आए 1947 में लास्ट गवर्नर जनरल के रूप में, वायसराय के रूप में। तो 3 जून 1947 को उन्होंने घोषणा की कि नहीं, जो 1947 में ही 15 अगस्त 1947 को ही मतलब इंडिया को आज़ाद कर दिया जाएगा। हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया, उसके बाद बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए सर सीरियल रेडक्लिफ के अधीन दो सीमा आयोगों की नियुक्ति की गई। इसी वजह से देखिए जो बांग्लादेश है और जो पाकिस्तान है, वहाँ पर जो इंडिया के साथ लाइन बनी है इंटरनेशनल बाउंड्री, उसको रेडक्लिफ लाइन बोला जाता है, ठीक है, और जो इधर अफगानिस्तान के साथ उसको डूरंड लाइन बोला जाता है, चाइना के साथ उसको मैकमोहन लाइन बोला जाता है। इन सब चीज़ों को भी अगर आपने हमारा वो लेक्चर फॉलो किया होगा, मतलब पूरी सीरीज फॉलो की होगी जियोग्राफी वाली, इंडियन जियोग्राफी वाली, तो आपको अच्छे से पता होगा कौन क्या चीज़ है, ठीक है। इस तरीके से हमारा 1970 से लेके 47 तक जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का गवर्नर जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नर गाथा समाप्त होती है, ठीक है। इसके आसपास हमने कोशिश किया कि जो मतलब इम्पॉर्टेंट एंड रिलेवेंट इंसिडेंट्स हो उनको भी मेंशन करते चलें, ठीक है। आशा करता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस एक लेक्चर में कवर हुई होंगी। तो अगर पसंद आया हो अभी तक और साथ में बने हुए हों तो ज़रूर इसको लाइक करें। अब चलते हैं जो अराउंड 100 के आसपास हमने क्वेश्चन भी इसमें लिए हैं इसी लेक्चर से रिलेटेड, उसको भी सॉल्व करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, खाली गवर्नर थे, गवर्नर जनरल तो सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग बने थे, ठीक है, 1774 में।
पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो सही है, तो इसका स्टेटमेंट केवल बी सही होगा, ठीक है। ओके आंसर बी। नेक्स्ट वन इज क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वारन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें मतलब चार इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स को एक ही सवाल में पूछ लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरओ आरओ और हम बोलते हैं कि आरओ में डीप क्वेश्चन पूछता है, या तो लेंथी पूछेगा या डीप पूछेगा, ठीक है। आरओ में पूछा है तो क्लाइव का पुनः भारत आगमन कब हुआ था, 1765 में, ठीक है, 65 से 67 रहा। और इलाहाबाद की संधि हुई थी, ये भी हुई थी 1765 में, ये भी हुई थी, ठीक है। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, ठीक है, 1700 काफ़ी क्लोज है। वारन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर जनरल बनना ये तो 1772 में हुआ था, ठीक है। तो सबसे बाद में फोर आएगा, सबसे बाद में वारन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना, ठीक है। बक्सर का युद्ध तीन, सबसे एक तीन, फिर उसके बाद क्लाइव का पुनः भारत आगमन और इलाहाबाद की संधि और वारन हेस्टिंग्स का जो है गवर्नर बनना, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि बक्सर को देखिए 1764 में हुआ, 1764 में, और 1757 में जो हुआ था वो प्लासी का युद्ध हुआ था, सिराज उद्दौला हारा था वहाँ पर। क्लाइव का पुनः भारत आगमन 3 मई को हुआ 1765 में, इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। एक्चुअली इलाहाबाद की दो संधियाँ हुई थी, एक 12 अगस्त को हुई थी और दूसरी 16 अगस्त को हुई थी। 12 अगस्त को शाह आलम द्वितीय के साथ, 16 अगस्त को जो हुई थी वो शुजाउद्दौला के साथ हुई थी, ठीक है। तो और हेस्टिंग बने थे 72 में। इस तरीके से निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, जन प्रशासन की नींव वारन हेस्टिंग्स रखी और ऊपरी समझता कार्नवालिस ने, सही बात। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक शैली सुधार करने में श्रेय क्लाइव को जाता, बिल्कुल सही बात है। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया, क्योंकि बड़ा शासक तो था लेकिन वो जाना जाता है अपने सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए, बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने के लिए नहीं, तो उसने बहुत ज़्यादा लोगों को संग्रहित नहीं किया। तो ये स्टेटमेंट गलत है। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पर ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत किया, बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, जो कि गलत है, सी, ठीक है। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका आंसर राजा चैत सिंह ने। बड़ा इंटरेस्टिंग था इसका एक्सप्लेनेशन है, बनारस विद्रोह राजा चैत सिंह द्वारा 1781 में किया गया था, और इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स थे, अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण ली। मतलब किसी ने, राजा चैत सिंह ने अंग्रेजों को भगा दिया। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स, 1784 में हुआ था, ठीक है। और क्विट इंडिया एक्ट भी आया 1784 में। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, इससे संबंधित है वारन हेस्टिंग्स से और लॉर्ड डलहौजी से, बेरेजली से, ठीक है। निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली खत्म किया, तो वही फिर से वारन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था, वारन हेस्टिंग्स ने खत्म किया। किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, अगेन वारन हेस्टिंग्स, 1788 से 1795 ईस्वी के बीच में कुशासन वगैरह के आरोप पर अन्यायपूर्ण निरंकुश शासन के लिए उन पर इंग्लैंड में जाके महाभियोग का शासन चलाया गया, मुकदमा चलाया। वेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, वेलोर का विद्रोह हुआ था 1806 में, ठीक है, 1806 में जॉर्ज वार्लो थे गवर्नर जनरल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर जॉर्ज वार्लो। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की, न्यायिक संगठन की स्थापना करने वाले थे वेलेजली, कार्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस। किस गवर्नर जनरल भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा, कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, फिर वही कार्नवालिस, ठीक है, उसे फादर ऑफ इंडियन फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया बोला जाता है लॉर्ड कार्नवालिस को, और फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। शब्दों की गहराई और उनकी मतलब बारीकियों को समझते चलें। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था, तो यह दरोगा।
दरोगा को जो है कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है। लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? गाजीपुर में। 1805 में उसकी मृत्यु हो गई थी गाजीपुर में, वहीं पर उनकी कब्र भी है। लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया। दूसरे के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए, बिल्कुल सही बात। भारत को नेपोलियन खतरे से सुरक्षित होना, ये भी ठीक है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ये एक्चुअली आय से संबंधित नहीं था, मतलब सिक्योरिटी से संबंधित था, अपनी आर्मी से संबंधित था, ठीक है। और नेपोलियन के खतरे से सुरक्षा प्रदान करना था, ये सारी चीज़ें। भारतीय रियासत के ऊपर ब्रिटिश सर्वोत्ता था, तो ये सब भी था। इसका जो स्टेटमेंट सी है वो गलत है, ठीक है, आय वाली बात नहीं थी। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करते हुए पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। इसको बहुत अच्छे समय एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अच्छा देखिए, इसी संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा गया। 1802 की वसंत की संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज ने, ठीक है। कैंसर भी है। इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया है, अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो अब ये सारे सवाल एकदम हलवा लग रहे होंगे, ठीक है। और आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से कितने सवाल किसी भी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? पहला शासक हैदराबाद का निज़ाम नहीं था बल्कि अवध का नवाब था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला, ये नहीं कहा कि वेलेजली के अंतर्गत, तो अवध का नवाब था। अगर वेलेजली के अंदर बोलता या अवध वाला ऑप्शन नहीं होता तब हैदराबाद का निज़ाम हो जाता, ठीक है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? अब देखिए इसमें जो है इसमें अवध नहीं है, ठीक है, इसमें जो हैदराबाद के निज़ाम हो जाएंगे। अंतर समझ रहे हैं ना? भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात करने वाला जो है एक्चुअली था तो पहले, लेकिन इन सब में ऑप्शन जो है लॉर्ड वेलेजली ने बहुत अच्छे से यूज किया, इस वजह से लॉर्ड वेलेजली इसका आंसर होगा, ठीक है। इसी से देखिए मतलब सहायक संधि से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि कैसे कैसे कौन कब शामिल हुआ था, ठीक है। इसमें आपको पता है हैदराबाद 1798 में, उसके बाद मैसूर था, फिर 1901 में अवध था, फिर उसके बाद सिंधिया था। तो 1, 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। युग्मों में निम्न युग्मों से सही मिलान कौन सा नहीं है? बक्सर का युद्ध, बिल्कुल सही बात, 1764 में हुआ। सहायक संधि 1863 में नहीं हुई है, 1798 कह सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन हम और देख लेते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 में, बिल्कुल सही बात है। ब्रिटिश नागरिकों एवं मतलब खत्म हो गया, एकाधिकार खत्म हो गया, इसको खत्म लिखना चाहिए था, सही नहीं लिखा। कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813, सही। तो इसका बी आंसर जो है वही गलत है, मिलान सही नहीं है। उसमें जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गए गवर्नर जनरल से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया रखी? वही है, अभी आपने देखा कि नेपोलियन से बचने के लिए सहायक संधि अपनाई गई थी। तो सहायक संधि में सबसे बड़ा नाम है लॉर्ड वेलेजली का, ठीक है। तो इसके आंसर भी वेलेजली है। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से 16 सुगौली की संधि के थ्रू खत्म हुआ था। शासनकाल में किसके शासनकाल में, 14 में कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो बी आंसर इसका हो जाएगा सुगौली की संधि। अगला है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? हेक्टर मुंडो बक्सर का युद्ध, बिल्कुल सही बात। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, बिल्कुल सही बात। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, बिल्कुल सही बात। एक्चुअली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 1819 के बीच में। इस समय थे लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड कार्नवालिस नहीं थे, तो ये गलत है, चौथा स्टेटमेंट गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम सुगौली की संधि हुई थी 1815-16 में, ठीक है। तो डी आंसर हो गया। सर थॉमस मुनरो किस वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? अभी आपको पता है 1820 में रैयतवाड़ी सिस्टम आया मद्रास में, ठीक है। तो ये हो गया 1820 से 1827 मद्रास में।
तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ठीक है, कुशासन का आरोप किसने लगाया था, तो मैसूर को किसने शामिल किया था, तो इसका जो आंसर है सी है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कुर्ग हो गया, कशेर हो गया था, मैसूर को उसने शामिल कर लिया था। ठीक है, एक्चुअली 1831 में विलियम बेंटिक ने इसको शामिल किया था। ठीक है, और 1834 में कुर्ग तथा कशेर की रियासतों को अपने में शामिल हो गया कर लिया कुशासन का आरोप लगाकर। ठगों के दमन से रिलेटेड कौन संबंध था? कैप्टन सलीमैन, हमने बताया सलीम बंदा था, सलीम मैन था, लेकिन ठगों को भी ठग लिया। ठीक है, 1500 लोगों को गिरफ्तार किया और 1837 में जाके ऑर्गेनाइज्ड जो ठगों का संगठन था वो खत्म हो गया। कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? सत्य प्रथा का उन्मूलन, बिल्कुल सही। दास प्रथा का उन्मूलन, ये भी सही। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता से के प्रावधान को हटाना, नहीं ये नहीं, ये जाके 1850 का होता है। ठगों संबंधी गिरोहों का दमन, बिल्कुल सही। तो 1, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा सी, सी द राइट आंसर। ठीक है, जैसा कि हमने कहा ये जो मतलब धर्म परिवर्तन काल अयोग्यता के प्रावधान थे उसको 1850 में हटाया गया था। ठीक है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो सती प्रथा पर पाबंदी लगाने वाले वही समाज सुधारक विलियम बेंटिक। ठीक है, राजा राम मोहन राव की इसमें बहुत ज़्यादा महती योग्यता मतलब योगदान था। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई, ये सवाल है। फिर से वही 29, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? विलियम बेंटिक। देख रहे हैं कितना मतलब सोशल रिफॉर्म से भी सवाल आ रहे हैं। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नत के लिए किया गया था? ठीक है, इसका आंसर एक्चुअली है बी वाला, क्लीव लैंड। इसको हम थोड़ा देखेंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन में हमने इसको नहीं देखा था। ठीक है, तो सल्थाल परगरा के राजबहाल क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश कलेक्टर अगस्टस पी क्लीवलैंड द्वारा आदिवासियों के उन्नत हेतु हिल असेंबली प्लान को कार्यान्वित किया गया। इसके अंतर्गत आदिवासी मुखियों को सीमित न्यायिक शक्तियाँ भी सौंपी गई। 1796 में रेगुलेशन 1 के द्वारा इस व्यवस्था को विनियमित करने का प्रयास भी किया गया। तो क्लीवलैंड के द्वारा हिल असेंबली प्लान, असेंबली क्लीवलैंड। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक लगा दिया गया? 1789 लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। ओके, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्नलिखित किस रीत से हुआ? अवध का कुशासन का कारण लगा के। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कुशासन के द्वारा, जिसमें कि आउटरम, जेम्स आउटरम को उन्होंने उसका रेजिडेंट बनाया था। उसने बताया कि वहाँ पर बहुत कुशासन है, जनता त्राई त्राई कर रही है। विलय का सिद्धांत से तहत कौन से राज्य कब विलय किए गए, उनका कालानुक्रम, क्रोनोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले 17, ओके, सबसे पहले हो गया 17, फिर उसके बाद जो है बगात, फिर ये उदयपुर, और फिर जाके झांसी 54 में, 1854 में, और 56 में जो है, 56 में अवध। किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? इसमें जो ग्वालियर है, ग्वालियर को नहीं मिलाया था। ठीक है, अधोलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलन बताया पूछना है। 1849 में सतारा का विलय। ठीक है, 1848 में पंजाब का विलय, 1856 में अवध का विलय, 1855 में झांसी का विलय। इसमें से जो सबसे करेक्ट है वो है 1856 में अवध का विलय। ठीक है, पंजाब का विलय 49 में हुआ था, सतारा का 48 में हुआ था, मतलब इनका जो है उल्टा ऐसा मैच करा दिया है। इसका 55 ना होकर 54 में हुआ था, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा। ठीक है, विलय नीति का प्रथम शिकार सतारा, जेम्स एंड्रूज रैमजे, भारत किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो लॉर्ड डलहौजी का नाम जेम्स एंड्रूज रैमजे भी था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ 1843 में, 1843 में, तो किसके शासनकाल में? हमने कहा कि 2 साल का शासनकाल बोरो किया था, किसने? लॉर्ड एलन बोरो ने, 42 से 44। सिक्किम का भारत में विलय
किसने किया? तो ये भी 1850 में हुआ, तो कौन कर सकता है? लॉर्ड डलहौजी कर सकते हैं। 1850 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? जेम्स आउट्रम, आउट्रम याद होना चाहिए, स्लीमैन को हटाकर। रेलवे प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी 1853, ये जो है बम्बई से ठाणे के बीच में। ठीक, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, ब्रिटिश भारतीय रेल राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय में, जब उसने बर्मा को शामिल कर लिया था। ठीक है, बर्मा को मिला लिया था 1886 में, और उसी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी एओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है, अंग्रेजी इंग्लिश मैन था एओ ह्यूम। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, पहले इसके पहले सैनिक बोर्ड था, फिर इसको डिपार्टमेंट बनाया लॉर्ड डलहौजी ने। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? कैनिंग के। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। एक्चुअली ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था 1856 में पारित हुआ था, उस समय लॉर्ड कैनिंग जो है वायसराय एक्चुअली नहीं थे, 56 में वो थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, 58 में वायसराय बनते हैं। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो वही लॉर्ड कैनिंग। अपने पुत्र के स्थान दूसरे उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 के अधिक भारत सरकार के अधिनियम ने, लॉर्ड कैनिंग ने। 1860 में सनद जारी किए जाने से 1858 की साम्राज्य की घोषणा, तो इसका आंसर डी है, 1858 की सामग्री साम्राज्य की घोषणा के द्वारा जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैसे था उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो मतलब अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार फिर से वापस दे दिया गया। तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? ठीक है, ये है 43 में एक्ट 5 के द्वारा लॉर्ड एलनबरो। सिंध का विलय भी 1843 में हुआ था। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य नियुक्त किया गया 1877 में। ठीक है, तो उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी गई? कब? एक दिल्ली दरबार लगाया गया था लॉर्ड लिटन के दौरान। निम्न युद्ध में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त, एकदम सही। लॉर्ड विलेजली, चतुराईपुर निष्क्रियता, ये तो गलत। लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, ये भी गलत है। लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भी गलत। तो इसका आंसर पहला ही सही है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है कौन सा? पहला तो बिल्कुल सही है लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए एक ही सवाल में चार सवाल कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सही लॉर्ड विलेजली सहायक संधि, बिल्कुल सही। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, एक्चुअली ये थर्ड वाला था। ठीक है, थर्ड वाला था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन, बिल्कुल सही बात है, 28 से 35 के बीच में थे ना। इसका आंसर सी हो जाएगा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1803 से 1805 के बीच में हुआ था, और तीसरा जो हुआ था 1817 से 1819 के बीच में। किसने राजपुताना की देसी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 के अधीन संधि से बातचीत की थी? तो बड़ा इंटरेस्टिंग से सवाल है। ठीक है, राजपुताना की देसी रियासतों के साथ, तो इसके जो आंसर है इसका है चार्ल्स मेटकॉफ। एक्चुअली क्या था, चार्ल्स मेटकॉफ उस समय जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपुताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठा और पिंडारियों के प्रति राजपुताना की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को वार्ताकार बनाया था। तो उस समय चार्ल्स मेटकॉफ जो थे वो दिल्ली के रेजिडेंट थे, जो 1835-36 में जाके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं और लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस की उपाधि उनको मिलती है। निम्नलिखित में से किसका सही सम्मेलन नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, बिल्कुल सही। लॉर्ड विलेजली सहायक संधि, सही। लॉर्ड डलहौजी का सिद्धांत डॉक्टर ऑफ लैब से, बिल्कुल सही।
लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, लॉर्ड कैनिंग के समय पे एक्चुअली ये नहीं थी, ये जॉन लॉरेंस के समय पे ज़्यादा मानी जाती है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन सम्मिलित नहीं है, फिर से ये सब जो ऐसे सवाल है जिसमें चार सवाल के पॉइंट मिलते हैं। सही बात, लॉर्ड वेलेजली सैक्सन, सही बात सर जॉन सो आंग्ल नेपाल युद्ध, गलत सर लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, सही आंग्ल जॉन सोर के समय पर नहीं, आंग्ल मराठा युद्ध जो है लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पर हुआ था 1416 में 1800। ठीक है, एक सही सुमेलित है लॉर्ड एलन बरो, अवध का विलीनीकरण, गलत तो डलहौजी टाइम पर हुआ था, लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, गलत जो 43 में हुआ था एलन बरो के टाइम पे, तो ये उल्टा सा मिलान कर दिया गया। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसार युद्ध, ये तो सही है सर जॉन सोर तृतीय मराठा युद्ध, गलत है, तो ये इसका आंसर सी जो है सही हो जाएगा। कौन सही सम्मिलित नहीं है, लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण सही, लॉर्ड डफरिन भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का अपना बिल्कुल सही, लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर 1833 का पारित होना सही, लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ, प्रथम नहीं बल्कि दूसरा जो है इनके लॉर्ड लिटन के दौरान दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1878 से 1880 के बीच में। ठीक है, चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है कौन, जॉन लॉरेंस, डी आंसर इसका हो जाएगा। ओके, वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मायो, एक्चुअली मायो ने शुरू किया था लेकिन ज़्यादा स्ट्रांग जो केस बनाया था वो लॉर्ड रिपन ने बनाया था। ठीक है, तो स्टार्ट करने का जो क्रेडिट जाता है वो लॉर्ड मेयो को जाता है 1870 में। ठीक है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के टाइम पे, ठीक है, जबकि रेगुलर जनगणना हुई रिपन के टाइम पे 1881 में। 1935 की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई, तो आपको पता है शेर अली आफरीदी द्वारा लॉर्ड मेयो की हत्या की गई अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर टहलने के दौरान। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन, आंसर डी। ठीक है, इसने कुशल कर्मण्यता की नीति को छोड़ दिया और फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई और जाके फिर बलूचिस्तान में सेंडे मैन को भेज दिया अपना रेजिडेंट बना। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा, तो लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से लेकर 1905। ठीक, और लॉर्ड डफरिन 1884 से लेके 88 तक। ठीक, हार्डिंग 1910 से लेकर 16 तक, 6 साल इनका, 7 साल इनका 6 साल। लॉर्ड मेयो जो है 1869 से 72 तक। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन है, लॉर्ड कर्जन है 7 साल। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, 1882 में किसका शासनकाल था, रिपन का, लॉर्ड रिपन का। ठीक है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था, वही यूरोपीय लोगों को, अगर यूरोपीय लोगों के मामले सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना, इससे उन्हें मिर्ची लगी थी, उनका विशेषाधिकार छीन लिया गया। ठीक है, यह 1883 की बात है, लॉर्ड रिपन के दौरान हुआ था। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि में घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का आयोजन किया गया, लॉर्ड रिपन। बहुत सिंपल सा सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। लॉर्ड रिपन के दौरान पहला फैक्ट्री एक्ट लाया गया, ठीक है, पहला रेगुलर सेंसस लाया गया। सही मिलान करना है सूची 1 टू सूची 2, लॉर्ड डलहौजी डपगत का सिद्धांत, 1 का 4, आई का डी, तो ए या बी में से कोई होना चाहिए। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक सत्य प्रथा का निषेध, तो 2 का ए होगा, 2 का ए, यानी कि इसका आंसर ए हो गया। और लॉर्ड रिपन
रिपन ने स्वायत्त शासन दिया, करजन ने बंगाल का विभाजन किया 1905 में। फिर इसके बाद 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन हुआ और 1907 में सूरत सम्मेलन में, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। इस तरीके से आप देख सकते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये स्थापना किसके काल में हुई, वो है लॉर्ड कर्जन, 1901 में किया उसने, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन में ध्यान देने वाली बात है कि 1984 में जो है ये विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई, 1861 में कैनिंग ने कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षक बनाया, 71 में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग बना, लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या पुरातात्विक सर्वेक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण बना वो लॉर्ड कर्जन द्वारा 1901 में बना। ओके, अगला क्वेश्चन, भारतीय स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ, अगेन लॉर्ड कर्जन, ठीक है। 1904 में 50,000 की धनराशि 20 के लिए। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की, तो जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। एक्चुअली बाल गंगाधर तिलक जी जो थे वो कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतलब प्रेसिडेंट नहीं बन पाए, और जी के गोखले थे जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो 1905 में बनारस अधिवेशन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी, ठीक है, वो भी वही है इसका लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य था जो देसी नरेश के राजकुमार थे एवं सामंतों के पुत्र थे उनको सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए, इनकी पदावधियों का सही कालानुक्रम है, क्रोनोलॉजी, कौन पहले आया कौन बाद में। तो इसमें जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, सबसे पहले तो आए लॉर्ड कर्जन 1899, फिर होर्डिंग आए, फिर चेम्सफोर्ड आए, ठीक है, आपको पता मोंटफोर्ड, मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड, फिर इरविन आए। तो 1, 2, 3, 4 इसका हो जाएगा, एक्चुअली ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, पूर्वी बंगाल एवं आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। एक्चुअली ये इसके जो दोनों स्टेटमेंट वो दोनों ही सही हैं कि 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, इसने बंगाल को दो भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया तथा बंगाल के पश्चिमी भाग में से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर को शामिल किया। इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव किया था, तो खाली बंगाल विभाजन नहीं हुआ था और भी जगह पर थोड़े मोड़े चेंज हुए थे बाउंड्री में। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी, एक्चुअली ये मिंटो और कर्जन दोनों ने अपनाई थी, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने मतलब बंगाल डिवीजन किया था और मिंटो ने तो कॉम्युनल डिवीजन कर दिया था, ठीक है, इलेक्टोरेट सेपरेट, वोटिंग राइट्स एंड इलेक्टोरेट दे दिया मुस्लिम्स को, मुस्लिम लीग के रिसल में। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने पतन की तरफ बढ़ रही है और मेरी इच्छा है कि भारत में अराजकता होगी कि इसके शांतिप्रिय इंदौर के लिए इसका सहायक बने। ये कौन बोला है, ये लॉर्ड कर्जन ने बोला है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग जो है जिसके दौरान चौरी चौरा हत्याकांड हुआ 1921 से 26 तक था, स्वराज पार्टी गठन, दौलत एक्ट का निरसन, ये सारी चीज़ें हुई। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, फिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स, सही बात, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सिडोलॉजी, सही बात, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन, कर्जन नहीं लिटन था ये, ठीक है, 1876 से 1878 में एल्बर्ट बिल रिपन, ये सही है। तो ये इसका सी आंसर जो है यही गलत आता, तो यही सही हो जाएगा सी।
1878 में लॉर्ड लिटन था, कर्जन। कौन मतलब अगेन मिलान करना है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से चूक का सिद्धांत या हड़प नीति, वो कौन था, वो डलहौजी था। तो ए का थ्री कौन सा है, बी और सी में से कोई है, ठीक है। और बंगाल का विभाजन हुआ था कर्जन के टाइम पे, तो बी का वन दोनों में है, ठीक है, इसे डिसाइड नहीं होगा, बी का वन दोनों में है। तो बंगाल में द्वैत शासन क्लाइव ने शुरू किया था, तो सी का टू यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा, इसी में टू है, ठीक। सामाजिक सुधार बेंटिक, इसका आंसर सी होगा। घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके कालानुक्रम यानी क्रोनोलॉजी पूछ रहा है। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय, बर्मा का विलय, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले होता है पंजाब का विलय 49 में, ठीक है, 1849 में। फिर होता है सिक्किम का विलय 50 में, बर्मा का विलय 53 में, एक्चुअली 53 में नहीं, ये होता है 86 में, झांसी का 54 में। तो 3-1-2-4 या 4-2, एक्चुअली बर्मा का विलय एक बार हुआ था 1853 में भी हुआ था, तो इसको 53 वाले ये शामिल किए, इसलिए इसका आंसर बी होगा, ठीक है। 1853 में भी एक बार बर्मा का विलय हुआ था, फाइनली जो बर्मा का विलय हुआ वो 1886 में हुआ लॉर्ड डफरिन के द्वारा। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियाँ प्रदान करना प्रारंभ हुआ, ठीक है, लॉर्ड बहादुर, राय बहादुर और खान बहादुर, ये जो था ये एक्चुअली 1857 के बाद अंग्रेजों की सहायता करने वाले देशी शासकों जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियाँ दी गई, खिलाफत भूमि अनुदान, ऋण माफी, ये सारी सुविधाएँ दी गई। इसमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि थी राय बहादुर, मुस्लिमों को एवं पारसियों को दी जाने वाली थी खान बहादुर, ठीक है। ये 1859-60 में उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, तो अगर इसमें कहीं लॉर्ड कैनिंग होता तो ऑप्शन सही हो जाता। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस मैराथन सेशन, कैसा लगा जरूर से ज़रूर बताएँ, ठीक है, और लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, कैसी लगी, कहाँ पर क्या चीज़ें नहीं मिली, कौन सा मतलब तरीका ट्रिक आपको समझ में आया, कि कौन सा नॉनसेंस आपको स्ट्राइक किया, सारी चीज़ें जरूर से ज़रूर बताएं, ठीक है। इसके पीडीएफ बनाने में और इसके लेक्चर बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, ठीक है, प्लीज़ उस चीज़ को कंसिडर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।